अच्छा जी बेटा, बिल्कुल खामोश हो जाओ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे, थैंक यू कहेंगे जनाब के पीएम जी की टीम को, मैम उज़्मा को और सामिया को, कि उन्होंने जो है वो अपने बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त में जो है वो हमें टाइम दिया इस गाइडेंस सेशन के लिए। तो एक तो पहले तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। प्लस इस सेशन का पहले ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इस सेशन से ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी, क्या आउटकम्स होने चाहिए, क्या सोच के हम इस सेशन को हमने प्लान किया और अल्टीमेटली इस सेशन के एंड पे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए, तो इस पर हम जरा सा बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनको बिल्कुल एंड पे आके पता चलता है कि जी फर्म भी ज्वाइन करनी है और फर्म का जो है वो जो ऑडिट ट्रेनिंग है आपका उसकी वैल्यू इतनी है कि आपकी टोटल एजुकेशन को अगर मैं एक तरफ कर दूँ ना, जो आप क्लासरूम में पढ़ते हैं सी ए इंटर में, इवन सी ए फाइनल में भी जाके, तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है 20% आपके करियर में। 80% पोर्शन आपकी फर्म डिसाइड करती है कि आपने कहाँ जाना। ठीक है जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, अनफॉर्चुनेटली आपको अच्छी फॉर्म नहीं मिलती है, तो आपके मुकाबले में एक ऐसा शख्स आगे चला जाएगा जो अकेडमिकली भले थोड़ा सा वीक है लेकिन उसकी ट्रेनिंग अच्छी फॉर्म से। ठीक है जी, तो ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी ट्रेनिंग है उसका उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पूरे करियर में ऑलमोस्ट 80% है। ठीक है जी, आपकी पूरी अकेडमिक्स की मेहनत सिर्फ 20% है। ये मैं 20% भी थोड़ा सा जेनरस होकर कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं इस साइड पे हूँ, 20% वाली साइड पे। ठीक है जी, आप जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो ये बहुत काउंट करता है कि आपकी ट्रेनिंग किस फॉर्म से, उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन क्या है। तो बिग 4 से आर्टिकल्स करना अनडाउटेडली अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग से कम नहीं। ठीक है जी, और पाकिस्तान में करंटली जो प्रैक्टिस स्टेब्लिश हैं उसमें 2 ही बड़े नाम जो है वो टॉप पे आते हैं, एक आपका जो है वो PwC आता है और एक आपका जो है वो KPMG आता है। ठीक है जी, मेरे खुद के आर्टिकल्स KPMG से हैं और मैं बड़े यंग एज में कुछ 6-7 कंट्रीज से मेरे पास जॉब्स भी थी। खैर, मैं अपने रीजंस की वजह से पाकिस्तान रुका लेकिन आज मेरा नहीं ख्याल है कि KPMG का 10% प्रोडक्ट भी पाकिस्तान में रुकता हो। ये 10% भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 90% लोग जो KPMG से या PwC से आर्टिकल्स करते हैं इवेंचुअली पाकिस्तान से चले जाते हैं, इवेंचुअली जो है वो पाकिस्तान के बाहर सेटल हो जाते हैं। आजकल ये एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बना हुआ है तो मैं बात इसी पे कर रहा हूँ। ठीक है जी, वैसे तो किसी भी कॉम के लिए बड़ी बगरती वाली बात है कि उसका जो है वो इतना जबरदस्त ब्रेन जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन आज जो है वो हम शायद इस लेवल पे आ गए हैं कि हम ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जाने में ही बेहतरी है। तो अगर आपके आर्टिकल्स किसी अच्छी फर्म से है, PwC से हैं, KPMG से हैं, EY से हैं, ठीक है जी, तो आपकी मार्केट की वर्थ इतनी है कि मैं आपको क्लास में उस दिन मोटिवेट कर रहा था कि रिसेंटली कुछ 3 साल पहले हमारे यहाँ से एक लड़का गया। ठीक है जी, उसकी आर्टिकल्स KPMG से, मैं नाम बता देता हूँ, मुनीब बाफरीदी उसका नाम है। ठीक है जी, सीए क्वालिफाई नहीं कर सका वो, एंड पे आके उसने ACCA किया और ट्रेनिंग उसकी जो है वो KPMG की थी और मैंने क्लास में उसकी एक वॉइस क्लिप आपको सुनाई थी कि वो करंटली कोई पाकिस्तानी करेंसी की टर्म्स में कोई 30 लाख रुपए अर्न कर रहा है। ठीक है जी, तो यार हम मटेरियलिस्टिक बातें करेंगे, कोई अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कोई बड़े दीनदारी वाली बातें करूंगा और मैं बताऊंगा कि जी KPMG से आर्टिकल्स करके आप एक बहुत नेक इंसान बन जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, जो हमारा प्रोफेशन है इसी तरह का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आर्टिकलशिप किसी अच्छी फर्म से हो। ठीक है जी, और अच्छी फर्म में फिर आपको आगे जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो काउंटलेस। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप जाते हैं सर किसी छोटी फर्म में आर्टिकल्स करने तो बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा गैप। आप उठाएं सर, आपको ये पता है ना, स्टेट बैंक का एक पैनल ऑफ ऑडिटर्स है जिसमें बैंक्स के ऑडिट करने के लिए पाकिस्तान में कुछ 8-10 फर्म्स ही हैं जो एलिजिबल है। ठीक है जी, तो टॉप फर्म्स में काम करने का फायदा ये होता है कि आप उन 8-10 फर्म्स में काम करके किसी बैंक का ऑडिट कर लेते हैं। ठीक है जी, और बैंक का ऑडिट करना इतनी बड़ी चीज है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो 80% लोग जो पाकिस्तान से मूव आउट होते हैं उनका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सेक्टर का होता है, इंश्योरेंस सेक्टर का होता है, यही वो लोग होते हैं जिनकी मोबिलिटी काफी आसान होती है।
तो ये भी आपको सिर्फ बड़ी फर्म में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा यार देखो, ये बात करते हुए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार आप जो है ना वो बात करते हैं बड़ी फर्म में जाना चाहिए, बड़ी फर्म में जाना चाहिए, इससे लोग डिस्करेज होते हैं। ठीक है जी, इससे लोग ये सोचते हैं कि जी छोटी फर्म में जाना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ी फर्म्स की एक वैल्यू है। मैं, आप मुझे जानते हैं कि मैं जो है वो कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैं अपनी सक्सेस का 90% क्रेडिट उठा के देता हूँ केपीएमजी, ठीक है जी, क्योंकि मैं केपीएमजी से अगर आर्टिकल्स नहीं करता, मेरी आर्टिकल्स की तो छोटी फर्म से होती, तो शायद जो मेरा एक्सपोजर है, ठीक है जी, जो मैंने बाद में जॉब्स की हैं, जो मुझे माशाल्लाह इंडस्ट्री में बाद में लेवल मिला है, वो कभी नहीं मिलता। ठीक है जी, तो हमने एक सेशन अरेंज किया है जिसमें हमने केपीएमजी की एचआर टीम से रिक्वेस्ट किया था कि एक कैंडिडेट में आप क्या चीज देखना चाहते हैं, क्या चीजें कैंडिडेट में हो तो केपीएमजी उसको हायर करने में प्रेफरेंस देगा। ठीक है जी, आया उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आया उसका अकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें आपके जहन में होती हैं, कुछ सिफारिश की जरूरत है, तो हम बड़े ब्लंटली जो है ना वो पूछेंगे आज केपीएमजी की टीम से। और मैम उजमा जो है वो मेरी सीनियर भी हैं, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह केपीएमजी का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो पूरा लीड करती है, तो आपको एक एक फर्स्ट हैंड जवाब मिलेगा उन लोगों से जो इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, जिन्होंने आपके इंडक्शन कर, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एचआर डिपार्टमेंट से थ्रू हो गया, आप किसी पार्टनर को इंटरव्यू देंगे, तो कैंडिडेट में वो क्या देखते हैं ये हमने सारी चीजें इनसे डिस्कस करनी है। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये करना है कि सेशन के एंड पे जो है वो अगर आप लोगों ने अपनी सीवी बनाई हुई है तो वो भी आपको हम हेल्प आउट करेंगे उसके अंदर की सीवी डिजाइन कैसे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इन सारी चीजों को देखते हैं कि करके अलग अलग नाम लेके मैं जो है वो अभी थोड़ी देर में मैम उजमा को बुला रहा हूँ ताकि वो पहले केपीएमजी के बारे में बताएं, और फिर आपके जो है वो हम ओपन क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, जो आप सवाल पूछेंगे उस पर हम बात करेंगे कि जीएफटीएस कौन सा होना चाहिए और कितने पेपर पास होने चाहिए, और आर्टिकलशिप किसी स्पेसिफिक सेक्शन में बेनिफिशियल होती है, किसी स्पेसिफिक पार्टनर के साथ बेनिफिशियल होती है नहीं, केपीएमजी के ब्रांड की क्या वैल्यू है, सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। ठीक है जी, अभी आ रही आवाज? हरे जी, बहुत शुक्रिया आपको कि वेट करने का। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट मैडम उजमा मशहूर ऑन दिस स्टेज, कि वो आके आप लोगों से मुखातिब हो, केपीएमजी के बारे में गाइड करें, ठीक है, कि हमारे फर्म जो है वो एक ट्रेनी से क्या एक्सपेक्ट करती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन गैप है ना, वो ये है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और सामने वाला उसको क्या डिलीवर करके आ रहा है। क्योंकि ये चीज जो इंटरव्यू लेते हैं केपीएमजी में, उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने यही कहा कि बच्चा प्रिपेयर्ड होके नहीं आता, ठीक है, उसको पता नहीं है हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, और सामने वाला पार्टनर या सामने वाला एचआर मैनेजर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि हमारे इंटरव्यू क्यों होते हैं दो, केपीएमजी के एचआर इंटरव्यू एंड पार्टनर इंटरव्यू, तो उस हवाले से मैडम आपको पहले आके केपीएमजी के बारे में गाइड करेंगी, जो हमारा एजेंडा था सेशन का। और इसके अलावा जो भी आप लोगों के सवाल आते हो आप लोग ने हैंड रेस करके एक बार जो है वो सवाल पूछने हैं, और फिर हम लोग इंशाल्लाह मूव करेंगे जो हमारे ऑनलाइन अटेंडीज हैं उनके सवालों की तरफ। मैडम तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने सूरत कुलवल्ला पढ़ी, गुरु का पढ़ा और फिर सेशन स्टार्ट किया। तो हम इस नियत से सेशन स्टार्ट करते हैं कि इट शुड बी, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेशन का हम अचीव करें, ठीक है। आउट ऑफ दिस होल सेशन इफ यू कैन टेक वन गुड थिंग, सो द पर्पस इज अचीव्ड। इट्स नॉट मोर अबाउट अ स्लाइड शो, वी आर टॉकिंग अबाउट अभी जो उन्होंने हुदैद ने बात की रिप्रेजेंटेशन की स्लाइड। एक्सपेक्टेशन एक सबसे बड़ी बात, एक इंटरव्यू में मैंने क्योंकि इंटरव्यूज एडवाइजरी में रिक्रूटमेंट की हुई है फॉर एग्जीक्यूटिव सर्च फॉर सीनियर पोजिशंस। एक्सपेक्टेशन एक सबसे बड़ी बात, एक इंटरव्यू में मैंने क्योंकि इंटरव्यूज एडवाइजरी में रिक्रूटमेंट की हुई है फॉर एग्जीक्यूटिव सर्च फॉर सीनियर पोजीशंस। अब आ रही है और अच्छा, तो मैंने वो रिक्रूटमेंट उस लेवल पे की है, सीओ लेवल, सीएफओ लेवल। और जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाट, नोबडी can never reject you, right? This is what you need to know in your life.
Nobody is going to reject you. Nobody has a right to accept you and say that you're right. So yeah, any organization, any place where you're going for an interview, they are just trying to find the best fit for themselves. And you are also trying to find the best. So one way nahi hai track ke koi bhi organization, koi bhi big four, KPMG hai, hum select kare aapko, aap bhi hume select kare. It's a two-way interaction, two-way selection. Is it a two-way selection? Most of the time when people come, they have no idea what KPMG is about. If they don't have an idea, how can they decide? Would they like to go and join KPMG? Are they the best fit for KPMG? आपकी अपनी जो prep है, जो homework है for going into this articleship, it's not sufficient. इसमें responsibility सिर्फ आपकी नहीं है, इसमें responsibility हमारी भी है, because we should be all available and visible. More often these kinds of sessions should be arranged. इन्होंने बड़ा अच्छा initiative लिया था, इनका पहले भी we had come. So वो ये sessions होने चाहिए, इस तरह की interactions होनी चाहिए. At the same time, you should also try and find out कि कहाँ पे किस तरह आप जाना चाहते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर द वेबसाइट. एंड इट इज नॉट ओनली फॉर दिस आर्टिकलशिप, ऑल योर लाइफ व्हेनेवर यू गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन इंटरव्यू, इट्स अ मस्ट. आपको पता होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है. दिस इज योर होमवर्क, यू शुड ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड, वेदर इट्स अ क्लाइंट मीटिंग, वेदर इट्स एन इंटरव्यू. Any place you go for these kind of things professionally, unless you're well prepared yourself, you will not be able to create an impact. So, abhi aapko sabse important cheeze, kuch cheeze aisi hai. It's not going to be a slideshow. Definitely, I'm going to talk about what KPMG is about because it's a great passion. Main KPMG mein hoon and I believe in KPMG. There is a difference. I'm very passionate about KPMG and I own the brand KPMG. So why this is there in me, I will try and share with you. कि मैं क्यों KPMG के बारे में इतनी passionate हूँ, मैं क्यों इतना उस brand को own करती हूँ. Because अगर आप walk in करते हैं KPMG में और आप brand को own नहीं करते, सही है? Most of the time you just walk in before the interview, maybe you wear a tie and वो तो अब तो even when you come for the interview, you're not really properly dressed. So first impact क्या है when you walk in? You look at your dressing, okay? How you have prepared yourself for the interview in terms of the dress code. Then you sit down, then you start asking questions. It's not about the figures and statistics and the questions we are asking and the answers you're giving. It's more about your body language. It's more about your confidence. It's more about how you present yourself. So this is a comprehensive picture which we are looking at. But aapka focus kya hoga? Only on the questions that are being asked. अच्छा क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं. मे बी आई कैन, एक दफ़ा मैंने कहा था इंटरव्यूज हो रहे थे, मैं बाहर गई तो एक जो कैंडिडेट था वो निकला था, तो उसने बताना शुरू कर दिया कि ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं. उनके इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं पेपर ला के बाहर देती हूँ, चार क्वेश्चन छः क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ. डजंट मेक इट डिफरेंस. ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू आंसर इन अ डिफरेंट वे सेम क्वेश्चन. Even अगर आपने वो प्रिपेयर भी किया होगा, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन. सो द आंसर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज द वे यू रिस्पॉन्ड, मोर इम्पॉर्टेंट इज वॉट वी आर लुकिंग एट, वॉट आर वी लुकिंग एट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कैंडिडेट हु इज द बेस्ट फिट फॉर केपीएमजी. तो वो जब आपको पता होगा कि बेस्ट फिट फॉर केपीएमजी क्या है, देन अकॉर्डिंगली यू विल ऑल्सो डिसाइड सेट एंड डिसाइड कि नहीं, दीज आर द थिंग्स आई डोंट थिंक आई प्रिफर इन लाइफ. So maybe KPMG is not the best fit for me. Or maybe KPMG is the only place where I would like to work because of these things. There is a differentiating factor. Sub firms, ek hi tarah ki learning provide karte hain, but there is a differentiating factor. And you should know that differentiating factor before you start your articleship journey. Us journey se pehle aapko bahut zyada, most of the time when candidates come, they say ki haan, they gaye the website pe, पूछा था, बात हुई थी, किसी एक टीचर ने बता दिया था. नॉट मच, नॉट मच ऑफ एक्सप्लोरेशन. केपीएमजी में एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी एक फ्रेज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड दैट इज स्टे इनफॉर्म्ड. स्टे इनफॉर्म्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई रियली लव दिस बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था, मुझे तो इसका आइडिया ही नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट नो. You know, whenever the things are being asked, आपकी response क्या होगी?
मुझे किसी ने बताया नहीं, तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एबीएमबी से स्टे इनफॉर्म, बी प्रोएक्टिव लर्नर, फाइंड आउट, एक्सप्लोर, लर्न। ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवाज में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। सेशन तभी मजे का होगा जब मुझे बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी एनर्जी नजर आए, ठीक है? इट्स नॉट अ टॉक, इट्स एन इंटरक्टिव सेशन। वन मोनोलॉग नहीं हो रहा कि मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग भी इंटरेस्ट लेंगे, तभी इसमें हम अपना जो टारगेट है या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। तो वो एक चीज जो है ना, कि वो आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे पहले आपकी प्रेप क्या होनी चाहिए। कई दफा व्हेनेवर वी आर इंटरव्यूइंग पीपल वी रियलाइज, ओह माय गॉड, दिस इज लाइक रियली डायनामिक रिसोर्स, समबडी वी डेफिनेटली लाइक टू हैव इन आवर टीम्स। एंड देन अगेन देयर इज अनदर पर्सन, मे बी उसने मेहनत ज्यादा की हुई है, सब कुछ ज्यादा किया, बट नॉट बीइंग एबल टू क्रिएट द सेम इंपैक्ट। सो दिस इज टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड डू इज we'll tell you what KPMG is about, what are the things we focus on when we are trying to hire people, and then we'll talk about how do you go for an interview, how do you go for your articleship, how do you make that decision. Also the fact that when you're not selected, never stay depressed, always understand nobody can reject you, right? So it's only that you were not the best fit for KPMG, so KPMG did not choose you. You were not the best fit for PwC, so that is why they did not choose you. But maybe you are the best fit for somebody else. And somebody else is the best fit for you. So ye cheez ka confidence aap log rakhenge. Dusra ek bahut important cheez jo hamare zehno mein, hamari youth ke zehno mein, whenever I go to ICAP and job fairs and all, most of the time there is one misconception. It's not a misconception जो कि fully foul है, but it's a misconception in the sense के हम सोचते हैं कि it's not about merit, and we are coming from middle class background. I'm also proud of the fact that we are coming from the parents who were hardworking and worked hard, raised their children, educate them, and today we are standing where we are standing. So it's like the kind of backgrounds we have. We don't have the support and there is कोई से कोई link, कोई वो इस तरह की चीज़ recommendation. तो हम सोच रहे हैं कि हम जब life में खड़े हैं तो क्या हमें वो opportunities मिलेंगी जो ये privileged background के बच्चे को मिल रही हैं, उसकी privileged background है, उसके connections अच्छे हैं, उसकी sources हैं, उसको कोई ना कोई recommend कर देगा तो वो चला जाए। अगर हमें अपनी life में ये opportunity यहाँ पर मिली, ये platform जो मिला, where you are standing, then one thing you have to understand, that is very, very important. Yes, maybe 5%, maybe 10% are the people in life overall, jo recommendations pe aur jo is tarah ki cheezon pe, they are never respected. Maybe they'll enter, they'll be treated equal, all right. But always those who come on merit are the ones who are going to make it in life. And no matter what, an organization is working, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस पे स्टेक पे नहीं डालेगी कि वो अच्छे मेरिट के लोग ना ले, बिकॉज मेरिट के आए हुए लोग, कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज, एबल रिसोर्सेज आर द वंस जो बैकबोन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारे आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, जो हमारे ट्रेनीज होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का ये KPMG की बैकबोन है। उसकी सिलेक्शन में सारा रिकमेंडेड क्राउड नहीं होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो चीज है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, ये चीज आपको अपने अंदर से हटानी होगी। रेस में जाना है, रेस जीतनी है, तो सबसे पहले ये अस्यूम करना होगा, 99% भी अगर किसी रेस में आपको पता है कि भाई उसने ही जीत जाना है, उसका वो है, तो भी आप रेस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अगर अच्छा खेलूं और मैं अच्छा भागूं तो मैं ही जीतूं। तो दिस इज वन थिंग, आप बड़ा कहना आसान है, आपको लगेगा भी, और मे बी मोस्ट ऑफ आप बाद में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यू थिंक के नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है रिकमेंडेशन, नहीं, रिकमेंडेशन पे भी हमेशा याद रखें वही सर्वाइव करेगा जिसका मेरिट होगा। एंड ऑफ द डे आपका काम होता है जो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट यू आर। अगेन आई वुड ऑल्सो इनकरेज फीमेल्स, कि जो फीमेल क्राउड है वो उस, बिकॉज हम बिलीव करते हैं इंक्लूजन में, डाइवर्सिटी में KPMG, तो वी नीड मोर फीमेल्स अराउंड इन दिस प्रोफेशन, and we are very proud of all the females who have taken these decisions, and you are here, and inshallah you'll make it, because you see KPMG mein we have a female partner, Muniza Usman Bhatt, in audit, and we have a female partner in tax in Islamabad, Sadia Nazir,
We have a CEO who's a female, and we have senior manager like me. We are also the females. So it's like absolutely no discrimination. When we are taking the interviews, we do not, and I can say this because I've been taking interviews for years, there is no discrimination, female resource or a male resource. It's the resource. Kaisa aapka outcome, kaisi aapki impact, kaisi aapki learning. These are the things that matter. So I would definitely encourage the females also, more females to be there, and I would be very happy agar hum us percentage ko badhate chale jaye. That is a target we always have every year. KPMG Global sets a target for us that there should be more females around. We should encourage inclusion, all sorts of people, absolutely zero bias. Gender bias, there another bias, koi bhi bias nahi hona chahiye. In terms of hiring, in terms of growth, ab bias kahan hota hai? Kahin kahin, doors closed jab hum kehte hain, wo kahan hota hai? Wo humare andar hota hai. Darwaza yahan se band hota hai, hum dar rahe hote hain. We don't have that, you know, you have to fight your fears. It's, fear is always in your mind and hearts. So, jaake isse kaise baat karein? Rude na ho jaye, daant na pad jaye. Ye cheez ka fear aapko apne andar se nikalna hoga, then the doors are open. And we say in KPMG that we have an open door policy. Actually, there is an open door policy. If you go and talk to someone, they'll always welcome you, will make, and they will be happy about it. They really appreciate that kind of confidence. They're waiting. कि आए कोई किसी में इतने guts हो हमसे बात करे हमसे पूछे हम क्या सोच रहे होते हैं अच्छा ये मसला तो है अब जाऊं कि ना जाऊं बात करूं कि ना करूं अरे यार आप खुद अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि होता है कि यार करूं कहूं तो क्या होगा और सबसे बड़ा फियर हमें क्या होता है अगर मुझे कोई चीज नहीं आती मुझे याद है मैंने जब ज्वाइन किया तो दैट वॉज वेरी फनी इंसिडेंट मेरे पास एक हमारे कंसल्टेंट थे सैफ साहब सैफी साहब थे वो आते थे आर्ली कंसल्टेंट तो कोई एक काम था तो उन्होंने कहा कि उज़मा आप इनसे पूछ लें उनसे पूछ लें मैंने कहा सर हम क्यों पूछ लें नो मतलब उसको ये पता चलेगा हमें इस बात का पता ही नहीं है तो मेरी तो प्राइड और वो नहीं मैंने कहा नहीं नहीं सर हम क्यों पूछें मतलब मुझे ऑनेस्टली आई वाज लाइक इफ आई विल गो एंड आस्क समवन तो अगले को लगेगा यार इसको ये बात पता ही नहीं है तो मेरे अंदर तो वो नहीं है मेरी तो ईगो कह रही है नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना मेरी प्राइड कह रही है तो नहीं बताना कि मुझे नहीं पता तो ही सेड उस्मान डजंट मेक एनी डिफरेंस कैन गो आस्क एनीबॉडी इवन अ पीएम इवन एन इंटर्न कैन टेल यू समथिंग एंड यू कैन लर्न सो देयर इज नो हार्म वंस यू हैव टेकन द लर्निंग लर्निंग इज योर्स एंड देन यू कैन ओन इट But there is no harm in asking. So always remember one thing. This is very, very important. To kabhi bhi. Like, I mean, if I don't know something, Samay batana ki kaise. It's okay. That thing, wo us ek moment pe meri, wo maine overcome ki. Ki nahi, mujhe to agar kuch nahi aayega, to main to bade confidently jaake kisi se bhi pooch lungi jo mujhe bata sakta hai. I'm a learning day. Because mera journey jo hai, it's always towards improving myself. And this is what you need to know, all of you, that jab bhi aap koshish karte na kisi se baat karne ki, to jo bhi senior accomplished professionals hain, wo sare bahut se experiences leke phir rahe hain. Bahut si cheeze hoti hain jo wo share bhi karna chahenge aur aapko hairat hogi when you talk to them, they'll say, haan haan bhai, wo na is tarah hua tha, maine phir aise kiya tha. To aapko koi na koi mentor apni life mein select karna hai. मेंटर सिलेक्ट करें उससे बात करें उससे सीखें और कोशिश करें हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि अपना वो जो बैरियर इन योर हार्ट है ना जो डर है जो फियर है ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग एंड शेयरिंग वॉट एवर इज बॉदरिंग मतलब मुझे मेरा ये है कि मुझे कोई अगर इनहिबिशन है ना इफ देयर इज समथिंग बॉदरिंग मी आई एम नॉट क्लियर अबाउट आई कांट वर्क सो आई विल हैव टू गो एंड आस्क भाई ये चीज़ है मुझे बॉदर करिए ये किस तरह से है मुझे बताएं क्लैरिटी चाहिए क्लैरिटी लेते हैं तो फिर काम करते हैं तो जब आप अपनी हैबिट बना लेते हैं तो फिर आप गलती से बचाते हैं मतलब आपको एक टारगेट मिला हुआ है लेट से एंड ऑफ मंथ 5th को आपको टारगेट मिला आपने 30th को देना अब आप 5th से 15th तक यही सोचते रहे यार ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें मुझे समझ तो नहीं आ रही लेकिन ये करती रहती हूँ इसलिए कि मतलब किसी से क्या पूछूंगी अगला यही कहेगा कि क्यों नहीं आता काम दिया हुआ आप करें आपकी जिम्मेदारी है तो मैं नहीं पूछती तो मैंने इतने दिन तो ज़ाया कर दिए वेस्ट कर दिए उसके बाद जब क्लोज टू द डेडलाइन
मुझे समझ आई कि अब तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट, देन आई वेंट. दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग. दैट मोमेंट समथिंग इज असाइंड टू यू, एनी असाइनमेंट, एनीथिंग, एंड यू आर हैविंग इश्यूज अबाउट इट, यू नीड टू नो एंड आस्क इंस्टेंटली लॉन्ग बिफोर द डेडलाइन इज क्लोज. प्रोफेशनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब शुरू में आप पूछ लेते हैं तो हर कोई आपको गाइड करता है, सपोर्टिव भी होता है, लेकिन अगर आप दो दिन पहले डेडलाइन से जाके पूछेंगे ना, फिर आपको प्रॉब्लम. दैट इज वेयर यू बिकम वो जैसे कॉम्प्रोमाइज. सो एट केपीएमजी हमने ये थैंक यू अवार्ड किया था, ये उसकी पिक्चर है. थैंक यू अवार्ड वॉज कोविड के बाद, कोविड में जब हमने इंस्टेंट, आपको याद है, ट्रांजिशन हो गई थी और हम ऑफिस से घर चले गए, वर्क सब एकदम, इट वॉज लाइक अ डेडलाइन. And then work from home start hua. What happened was that work from home transition was so quick. And within no time, our IT managed. Everybody was working from home. People were like delivering. Task koi bhi stop nahi hua. Koi cheez ruki nahi. So KPMG was actually doing better during COVID than it was doing before. That was a huge accomplishment for all the employees and dedication also. Also the firm and leadership, aapko pata hai. Most important thing was being taken. What is KPMG about? यहाँ से आपको पता चलता है. We care for you. That because since we are in HR, तो हमें message आया था. This was 23rd जब lockdown हुआ था. और जाहिर है सबको पता था कि पता नहीं salaries का क्या होगा, time है इस तरह से. तो हमें instruction थी, हमने जाके 28th या 29th को हमने salary लोगों को transfer कर दी थी, because हमारी leadership was concerned about people. That they should know we are there for them. That they should know we care for them, and this in this situation they can sit at home, not do work, still they are being paid. Later on transition hui na, kaam shuru hua aur working shuru hui, lekin us waqt without anything, kuch pata nahi tha kya hoga aage, lekin KPMG was there for you. That is what makes Big Four Big Four. That is what makes KPMG KPMG. That is why you need to be there. Jab tak aap ye understand nahi karenge the soul and spirit of behind KPMG, what is it that makes KPMG KPMG? It's not only the name. There is a whole thought process, structured, proper process around which KPMG is built. बहुत सारी ऐसी information है, बहुत सारी ऐसी knowledge है जो amazing है. सबसे beautiful culture about KPMG is if I have a problem, I'll just connect to any one of my global contacts. And I'll say, this is what where I need help. And instantly, खुद नहीं कर सकते, किसी दूसरे को डेलीगेट करें, कुछ करें, बट आई विल बी सपोर्टेड. सो इफ आई एम लिविंग हियर एंड समबडी इज लिविंग इन नेदरलैंड, यूके, यूएस, कनाडा, दे आर देयर टू सपोर्ट, एंड देन यू फील यू आर अ टीम. सो इट्स अ ग्लोबल टीम. सो व्हेन यू आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ केपीएमजी, वॉकिंग इनटू द डोर्स ऑफ केपीएमजी, यू आर नॉट वॉकिंग इनटू अ लोकल प्लेस, यू आर वॉकिंग इनटू अ ग्लोबल एक्सपीरियंस. And an amazing knowledge pool. Itna amazing knowledge pool. Itni structured information. It's an opportunity for you. But what do? You just come, do. Achha, ye assignment mil gaya, ye article, ye engagement hai, is pe ye kaam hai, chalo karo. Okay. Chalo ghar chalo. You know, this is how you go through your articles. Then you will not get that experience. You walk in, you know, this is a place, this is a wonderland. And I am going to make the most out of my stay here. I'm going to talk to the partners, I'm going to talk to my managers, I'm going to find out how can I be oriented right in this journey. Apni direction set karni hogi. Agar aap ghoomte rahe circle mein to kya hoga? No displacement. To agar aap direction ke bagair apna life ka journey start nahi karte hain, to aap kabhi bhi displacement pe nahi pahunchte. So distance covered but no displacement. So make sure that when you're working, when you आप देख लें पढ़ाई में भी आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, पेपर निकलता नहीं. कुछ बच्चे जो हैं बड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनी गाइडेंस लेते हैं और वो शायद कम आवर्स दे रहे होते हैं पर उनके पेपर्स निकल जाते हैं. दोनों में डिफरेंस होता है. अब अगर मेरा पेपर नहीं निकल रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए. अपने अगर एक पेपर नहीं निकल तो सो व्हाट, आप फॉरन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यू शुड फाइंड आउट कि अच्छा क्यों नहीं निकला, कौन सा बंदा है जिसका निकल गया, उससे जाके पूछें, गाइडेंस लें. और दूसरों की भी जिम्मेदारी है जिनके निकल रहे हो, जो पास हो रहे थे, समहाउ दे ओ इट टू देयर कॉलीग्स कि शेयर
दिस इज ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम इनको कनेक्ट करें कि जो कर लेते हैं वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे आपने अचीव कर लिया. सो ऑल दिस मेक श्योर दैट यू हैव ग्रुप्स, यू हैव पीपल विद हुम यू कनेक्ट. इन योर लाइफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नेटवर्किंग. डू यू नो नेटवर्किंग? Do you believe in networking? I don't. I believe there is nothing like networking. It's more about building relationships. So building relationship is when you have an intent is right. It's not about ki jo mujhe kaam hai main kara lu. It's a two way thing. Usko dusre ko bhi aapki us relationship se benefit milna chahiye, aapko bhi milna chahiye. Dusre aapki relationship on positive grounds hoti hai. Building relationship se hota hai ki aapka ek network banta hai. जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी वो दूसरा बंदा खड़ा होकर देगा. उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंटेंट क्या है. सो मेक श्योर दैट इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स आल्सो यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप्स. होता है ना, एक फ्रेंड होती है, वो आती पूछती है, अच्छा ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, ये वाला बता दो. आप बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, उसको कहते हैं हर दफा आके कोई फायदा मुझसे ले जाती है, मुझे तो आज तक इसने बताया. आता है ना दिल में कार. सो ऑलवेज रिमेंबर रिलेशनशिप इज अ टू वे प्रोसेस. इट कैन नॉट बी यू नो यू कांट जस्ट हैव take out, extract benefits from people and not be there for them in life. So it's a healthy process. Aap koshish kare jab bhi aap relationship kisi se banaye, intent should be building relationships, not network. Okay. Why KPMG? Why KPMG is like, what is the differentiating factor of KPMG? Also, what is the best fit for KPMG? So we'll share what, hum kya dekh rahe hain, hum kya dhoond rahe hain aap. Peeche jo log baithe hain, kya unhe awaaz aa rahi hai? नहीं क्लियर आ रही ना, मुझे भी लग रहा है कि मैं, अब मैं इसका कुछ और तो नहीं कर सकती. और करीब कर दूं बड़ा लाउड बोलना पड़ेगा तो क्लियर. अब आ रही है आवाज? अगर आवाज नहीं आ रही तो फौरन बता देना. आ रही है. और अगर आ रही है तो भी बता देना लाउड. शोर आना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा, क्राउड ही शोर मचा देना चाहिए कि नहीं आ रही आवाज. ठीक बोलते. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये थैंक यू अवार्ड हमने किया था to appreciate every employee of KPMG, हमारे senior partner है आमिर जमील अब्बासी और निदा और फरासा head of people and निदा CEO, इनका initiative था कि we should thank each and every employee of KPMG for their contribution during COVID. उस दौरान उनको awards मिले. Excuse me. Who's going to move the slide? Arrow. Yeah. Trust is your business. Trust kaise built hota hai? Hamara purpose, hamari values are the foundation of the trust. Trust kahan pe hai? It's a comprehensive thing. Trust in the clients ke saath aapka trust. Trust aapke employees ke saath aapka trust. Trust teammates ke saath aapka trust. टीम्स के साथ ट्रस्ट, सीनियर्स के साथ ट्रस्ट, सोसाइटीज इन विच वी ऑपरेट वहां पे ट्रस्ट. सो फाउंडेशन जो केपीएमजी की है इट्स अ ट्रस्ट. एंड व्हेन ट्रस्ट इज देयर ग्रोथ फॉलोज. दिस इज केपीएमजी के जो फाउंडर्स थे, क्लीनवेल्ड, पीट मावेक, वार्नर, ये लोग थे जिन्होंने केपीएमजी को इनिशिएट किया, फाउंडेशन इसकी रखी. दीज आर द पीपल, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो केपीएमजी जो केपीएमजी उनके नामों के उससे आ रहा है. आपको कुछ फनी लग रहा है तो आप शेयर कर लें हमसे भी. हम भी एंजॉय कर लें ना, थोड़ा हंस बोल लें. अच्छा, ये हमारे सीनियर पार्टनर आमिर जमील अब्बासी हैं, ये हमारा बोर्ड, और ये पार्टनर्स हैं खालिद महमूद साहब, अब्बास नकीर, तौफीक साहब हैं. तौफीक साहब का भी आपने नाम सुना होगा. नहीं, ऑडिट पार्टनर है. ठीक है. और कामरान साहब, ये हमारा बोर्ड है. नेक्स्ट करें स्लाइड. अच्छा, मैं ही कर लूंगा. और ये हमारी एक्सकॉम. सो देर इज अ बोर्ड एंड देर इज एन एक्सकॉम एंड देन देर आर पार्टनर्स. थ्री फंक्शंस आर देयर: ऑडिट, टैक्स एडवाइजरी. ऑडिट डेफिनेटली, टैक्स अगेन टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड एडवाइजरी के पार्टनर्स हैं. तो हेड ऑफ एडवाइजरी अदनान रिजवी हैं, हेड ऑफ ऑडिट रियाज बसनानी है जो इस्लामाबाद में पार्टनर है, और हेड ऑफ टैक्स कामरान भट्ट है जो लाहौर में पार्टनर.
ठीक है, बाकी जो पार्टनर्स हैं वो कराची में भी टैक्स के पार्टनर्स हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी, इसी तरह एडवाइजरी पार्टनर्स आर इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड अगेन ऑडिट. सो देयर इज अ हेड ऑफ ऑडिट देन ऑडिट पार्टनर्स, देयर इज अ हेड ऑफ टैक्स देन टैक्स पार्टनर्स, देयर आर हेड ऑफ एडवाइजरी एंड एडवाइजरी पार्टनर्स. ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लोग आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि आप लोग ऑडिट में गए, ऑडिट में ही आप रह गए. हम कोशिश करेंगे ओरिएंटेशन सेशन में आपको एडवाइजरी और टैक्स का एक्सपोजर भी दें. सो यू शुड ऑल्सो नो वॉट टैक्स एट केपीएमजी इज डूइंग, वॉट एडवाइजरी एट केपीएमजी इज डूइंग, बिकॉज यू शुड नॉट ऑपरेट इन साइलोज इन लाइफ. देयर इज नीड फॉर ब्रेकिंग आउट ऑफ द साइलोज एंड क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम भी सेशंस रखने की कोशिश करें, आप लोग भी अपना एक एटीट्यूड बनाएंगे, किसी एडवाइजरी के उससे भी फ्रेंडशिप हो, किसी जैसे हमने अभी एक इवेंट किया स्पोर्ट्स इवेंट, वहाँ पे हमने क्रिकेट किया, वहाँ पे एडवाइजरी टैक्स और ऑडिट के लोग थे, इकट्ठे खेल रहे थे, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स और बॉन्डिंग बनी. दैट इज समथिंग यू नो यू नीड टू हमेशा याद रखो, ये जो है ना अपना माइंड खोलना पड़ता है. ओपन योर माइंड्स, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट, ओपन माइंड्स. सो ओपन माइंड मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू द होल डे, अगर आपका डे है तो इट शुड नॉट बी ऑन द सिस्टम इन टू द वर्क, ऑल्सो इन टू रिलेशनशिप्स, ऑल्सो इन टू इंटरेक्शन, ऑल्सो इन टू लर्निंग समथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट टू योर फील्ड. सो नॉट ओनली स्पेसिफिक टू योर फील्ड, ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट टू योर फील्ड, दैट विल ओपन अप योर माइंड. नाउ वेन वी लुक एट दिस कलेक्टिव स्ट्रैटेजी, आर एम्बिशन इज ट्रस्ट एंड ग्रोथ. ये इतना, दिस इज सो ब्यूटिफुल. अगर आप इसको देखें, मैंने जब ये आया था तो मैंने ग्लोबल चेयरमैन को लिखा, I mean, I was looking at it and I was so surprised. It's such a beautiful thing. हमारा दीन, हम इस्लाम, हमें यही सिखाता है दयानतदारी, ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी. सादिक और अमीन का लफ्ज़ है, आजकल इतना इस्तेमाल होता है कि मैं वो नहीं इस्तेमाल करूँ, बट बेसिकली ये कि ट्रूथफुलनेस हमें बताई जाती है. इसी तरह ट्रस्ट एंड ग्रोथ की बात करें, सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि वेन देर इज ट्रस्ट, ग्रोथ फॉलोज. So you're coming as a resource to me, I should have trust in your competence. And you should have trust that KPMG is going to take care of me. Aapko ye pata hona chahiye ki main wahan pe hoon to meri care ki ja rahi hai. I'm important, you matter for me. That's very important. So trust built hoti hai with different initiatives. So KPMG mein abhi employee engagement pe different initiatives hue, humne social club pe बहुत ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो एक सोशल क्लब क्रिएट किया जिसमें ऑडिट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, टैक्स के भी हैं, एडवाइजरी के भी हैं, मिक्स टीम्स हैं, एचआर भी है. और हमारा अगर आप लिंक्डइन पे जाके देखें तो हमारी वीडियोस पोस्ट होती हैं, क्रिकेट लीग हुई प्रॉपर, डिफरेंट फंक्शंस के या क्रिकेट मैचेस हुए जिसमें पार्टनर्स भी खेले, और वो जो एक इवेंट हुआ उससे कितनी सारी, तो क्यों, किस चीज़ पे फोकस है हमारा, रिलेशनशिप बिल्डिंग अदर देन वर्क, आपकी इंटरेक्शंस पे. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Always remember when you're there in your professional life, make sure that you're not only working, also building relationships. So, wo collaborative culture create hota. Trust, KPMG ka trust hai in the employees. Employees ka trust kaise gain karte? When we care about their well-being. So, we've had well-being sessions, we have health insurance, we try to be there for them. Aur responses aati hai. Hamara ek pura global people survey hota hai. जिसमें हम फीडबैक लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील आर गोइंग गुड, एंड दैट इज अनोनिमस, दैट इज ग्लोबली मॉनिटर्ड. सो यहाँ पे कोई उसको देख नहीं सकता कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया. व्हेन यू गिव योर फीडबैक बेसिस ऑफ दैट वी गेट रिपोर्ट्स, एरियाज आर हाईलाइटेड कि ये चीजें हैं, ये अच्छी हो रही हैं, ये चीजें हैं, इन पे और फोकस होना चाहिए. अकॉर्डिंगली वी मेक एक्शन प्लान्स एंड वी वर्क. एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज आवर फोकस, कि लोगों को अपने साथ इंगेज करना एज एन एम्प्लॉय. व्हेन यू फील कनेक्टेड and when you own the firm, that is when the firm is going to grow. So when you have trust, jab aap walk in karte hain aapko ye pata hota hai ki yaar is KPMG mein mera future hai, main KPMG mein aise brand mein hu jo kal ko mere kahin bhi professional life mein, jaise isme mera itna kasoor nahi, mic mein problem nahi, kabhi idhar ja raha hu main, ab kis kis ko awaaz nahi aa rahi, piche walon ko aa rahi, back benches. जब मैं पूछती हूँ बस उस वक्त आती है, नहीं है. वैसे मैं तो बड़े आराम से थोड़ा चीख के विदाउट माइंड बोल सकती हूँ, आई बी मोर कंफर्टेबल. करूँ ट्राई, नहीं करूँ, माइक ही सही है, चलो सही है. तो
एम्बिशन ही केपीएमजी का है कि ट्रस्ट ट्रस्ट की फाउंडेशन हमारी वैल्यूज है, हमारी इंटेग्रिटी है, ट्रस्ट की फाउंडेशन। आपको पता है आपकी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके अपने पेरेंट्स के साथ आपका ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। आपने देखा आप कहीं भी आप डालेंगे ना ये फॉर्मूला, आपको पता चल जाएगा कि जब ट्रस्ट नहीं है तो ग्रोथ फॉलो नहीं करती आपकी दोस्ती में। जैसे ही आपको डाउट्स आ जाते हैं फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। आपके टीचर्स को जब आपकी वर्किंग पे डाउट आ जाता है रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। ग्रोथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फैक्ट दैट यू डेवलप दैट ट्रस्ट, एंड दैट ट्रस्ट एज अ रिसोर्सेज। जब आप हमारे पास आते हैं हमें ये पता होता है कि आप कॉम्पिटेंट भी हैं, आप पैशनेट भी हैं, आप फॉर्म की ब्रांड को जानते हैं, उसको एक्सप्लोर करके अंडरस्टैंड करते हैं। यू टेक इंटरेस्ट इन वॉट यू टॉकिंग अबाउट, यू नो वेन यू वॉक इन टू के पी एम जी फॉर एन इंटरव्यू, यू नो के पी एम जी क्या है। That gives an impression of the fact that हाँ आपका interest है in what you're doing. That is like you know वो message communicate होता है. When you dress up, that also communicates the message. Like I remember I had a boss who was like very obese. But I remember the most inspiring thing about him was मैं सोचती थी कि अगर मैं इतना होता मेरा वेट तो मैं तो तैयार ही ना होती, मैं कितनी लगूंगी नहीं अच्छी, तो मेरा तो इंटरेस्ट ही ना होता इसमें। फीमेल्स को तो बहुत मसला होता है वेट का, तो मैं कभी कभी उनको देख के सोचती थी। बट द फैक्ट वाज कि एवरी डे ही यूज टू पुट इन एन एफर्ट एंड यूज टू टेल मी, उसमें पता है मैं ऐसे सुबह उठ के मैं ये अपनी शर्ट सेलेक्ट करता हूँ, कफलिंग सेलेक्ट करता हूँ, टाई सेलेक्ट करता हूँ, मुझे उसमें एक आधा घंटा लगता है, मेक श्योर यू नो दिस इज व्हाट आई एम गोना वेयर, आई टेक दिस विद एक्साइटमेंट, दैट्स हाउ आई ड्रेस अप। आप जरा सोचें कि आप जब वॉक इन करते हैं सुबह निकल के आते हैं, क्या आप सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं अगर इस वक्त किसी क्लाइंट पे जाऊंगा, वहां जाऊंगा, मैं केपीएमजी का ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या मैं टाई बोरो करके लेके जाऊंगा? बोरो टाई क्या है? बोरो टाई इज व्हेन यू वर नॉट लाइक प्रिपेयर्ड। लाइक अभी मैं सामने से डिस्कस करती कि बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोफेशनलिज्म पता लगता है, एनीथिंग आपने वक्त से पहले चीजें तैयार की, आपने वक्त से पहले हर एंगल हर एस्पेक्ट को सोचा, तो इंटरव्यू तो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर आप थोड़ा सा, अगर आप पीडब्ल्यूसी में जा रही हैं यू शुड नो व्हाट पीडब्ल्यूसी इज अबाउट, आप केपीएमजी में जा रही हैं तो देखिए कि इनकी लिंक्डइन पे आजकल क्या चल रहा है, इसका मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। आपको हमारी वैल्यूज की वीडियोज नजर आएंगी, हमारे इवेंट्स नजर आएंगे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट अभी हमने 14th अगस्त किया था, वो भी हमने लिंक्डइन पे डाला, वैल्यूज की वीडियोस हमारी लीडरशिप ने डाली, हमने पूरा वैल्यूज वीक सेलिब्रेट किया, फिर हमने क्रिकेट लीग की, फिर हमने ईद मिलन किया, मैंगो फेस्ट किया, ये सारी चीजें आप जाएंगे अभी तो फिर जरूर प्लीज गो टू योर लिंक्डइन एंड सी द वीडियो, सी द ओरिएंटेशन सेशन वी हैड अभी रिसेंटली हुआ था। एक ही सवाल है और दूसरा एक भाई पूछ रहा है कि ड्रेस 3 पीस होना चाहिए या 2 पीस। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि 3 पीस ही होना चाहिए, 3 पीस अब मतलब बहुत गर्मी में 3 पीस भी सही नहीं लगेगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू द शर्ट प्लेन होनी चाहिए, प्लेन डिफरेंट शेप्स की शर्ट्स होनी चाहिए जो भी, और आपको पता है कॉर्पोरेट कलर्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, कॉर्पोरेट कलर की शर्ट हो, टाई हो, प्रॉपर सोच के पहनी गई हो कि इस कलर के साथ ये वाली टाई जा रही है कि नहीं जा रही, नाइसली कॉम्ब हेयर हो, ट्राउजर्स हो, शूज हो, एवरीथिंग यू नो द लुक, मेल्स के लिए आसान है, दैट्स व्हाट आई सेड कि मेल्स के लिए प्रोफेशनल लगना बहुत आसान है, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिंपल इजी वे ना, पैंट्स पहनी, ट्राउजर वो पैंट्स पहनी, शर्ट पहनी, टाई लगाई तो सीधे प्रोफेशनल लगने लग गए, लेकिन कई मेल्स वैसे सारे एफर्ट के बाद भी प्रोफेशनल नहीं लगते तो वो भी एक मसला है, लेकिन कोशिश मतलब आसान है ना उनके लिए। और परफ्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आपकी स्मेल, आपका हाउ डू यू टेक इन शावर एंड यू नो हाइजीन, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपकी जो ऑरा है आपकी जो वो उससे डेफिनेटली डिफाइन होती है। फीमेल्स के लिए आई थिंक अगेन दैट इज लाइक प्रिंट्स हैं, बहुत ज्यादा लाउड प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, थोड़ा व्हेन यू ड्रेसिंग अप देयर इज अ प्रॉपर, हमने अभी बड़ा अच्छा इवेंट ओरिएंटेशन पे किया था, उसमें हमने ड्रेसअप किया था उनको, लड़कियों को और लड़कों को, लाइक अगर शलवार कमीज अब तो वी डोंट इनकरेज, लेकिन चले फ्राइडेज कमीज में तो देर शुड बी अ वेस्ट कोट, टॉप शूज शुड बी प्रॉपर, सो इवन इफ दैट इज बीइंग वॉर्न देन दैट हैज टू बी फॉर्मल।
फॉर फीमेल्स इफ यू वेयरिंग वॉट एवर यू वेयरिंग यू शुड मेक श्योर कि आपका एक जो ड्रेस है ना बहुत शाइनी ना हो, आपका मेकअप भी सटल हो. इट शुड यू नो दैट दैट डेफिनेटली यू गोना पुट ऑन सम मेकअप एंड यू डोंट वांट टू पुट ऑन मेकअप, इट्स फाइन. बट द थिंग इज वॉट एवर यू डूइंग इट शुड हैव कैरी अ सटल लुक, ठीक है. एंड योर ड्रेसेस एंड कलर्स शुड बी ऑलवेज अगेन कॉर्पोरेट कलर्स. हम बहुत ज्यादा ये नहीं है कि फीमेल सारे ग्रेज और ब्राउन और बेज पहने, बट प्रिंट्स थोड़े लाउड नहीं होने चाहिए. और पूरी एक ड्रेसिंग का इम्पैक्ट आप खुद खड़े होकर, वेन एवर यूर ड्रेसिंग अप फॉर एन इंटरव्यू ऑलवेज मेक श्योर कि यू आर वेयरिंग अ डिफरेंट प्लेन हो, पैंट्स हो, ट्राउजर्स हो, वॉट एवर. शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्लिपर्स पहन के आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाए, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने पहने भी हैं तो स्मार्ट हो. कुछ चीजें हैं जिनको आपको कोशिश करनी चाहिए, उनका होपफुली आंसर मिल गया या अभी नहीं तो सैल्यू. अच्छा एक और फातिमा ने पूछा है कि मैम अबाया और हिजाब अलाउड फॉर गर्ल्स. अबाया तो मुझे मैं हमने जब इंसलम ठीक है. अच्छा एक और मैंने मतलब एक काफी चीज देखी, जैसे हमारे पास सीएम जो बच्चे आते हैं ना बिल्कुल कोई इंटीरियर से आ रहे होते हैं तो वो पूरी जिंदगी अपना बेसिकली उनकी स्कोरिंग बेहतर होने ना होने की वजह से वो स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश के अंदर, और इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें इंग्लिश में ही बातें करनी है, इंग्लिश में जवाब देना है. तो इसी तरह से सवाल है कि इंग्लिश क्या कितनी इंपॉर्टेंट है इंडक्शन के लिए और कितना मैटर करती है. इंग्लिश देखें, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ में हमारे, क्योंकि इंग्लिश इज द कम्युनिकेशन बेसिकली, सो इट इज इम्पॉर्टेंट. बट इफ यू डोंट नो इंग्लिश, आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम कह देते हैं कि आप उर्दू में भी बात कर लें. अगर देखें आपका सब्सटेंस सॉलिड है, सही है, आपकी आप यूर वेल प्रिपेयर्ड, योर नॉलेज इज लाइक पता चल रहा है कि यू आर वेल रेड, यू नो वॉट यूर टॉकिंग अबाउट, आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप है, आपकी वो सारी चीजें सही हैं, आपका पैशन नजर आ रहा है, आपकी आईज से पता चलता है कि आप कितने पैशनेट है अबाउट ऑडिट और एडवाइजरी और टैक्स जिसमें भी आप जाना चाहते हैं. सो जो प्रोफेशन है उसमें ये चीजें अगर आपकी एडअप होती हैं तो वो कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. बट ऑलवेज रिमेंबर कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए. जो बात कह रहे हैं ना इंटीरियर की, मैंने आई रिमेंबर आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर तवारकी कर रहे थे क्लाइंट के लिए, तो वो उन्होंने उस बच्चे ने मुझे बताया कि फ्रॉम एन इंटीरियर सेंट किसी विलेज पे था वो, कहता मुझे अंग्रेजी का प्रॉब्लम था तो मैं रोजाना इंग्लिश का एक पैसेज लिखवाता था अपने टीचर से, उसकी अंग्रेजी उनसे सुनता था और मैं घर के रास्ते में पैदल चलते हुए उसको रिपीट करता था. उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, मुझे बताया था इंटरव्यू के लिए, तो उस किस लेवल पे उसने उसके अंदर एनर्जी डाली थी. उसको लगा कि शायद अंग्रेजी कर लूंगा तो मैं अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, कराची में एडमिशन मुझे मिल जाए, तो उसने उस तरह से मेहनत. बात ये नहीं है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन में उसको, ज़ाहिर है आपने कुछ लिखना है तो इंग्लिश आती होगी तो आप करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप पिकअप कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं. बट नोबडी इज गोइंग टू जज यू ऑन द फैक्ट कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं बोलनी आती बट आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, तो फिर आपकी कॉम्पिटेंस विल गिव यू एन एज. मोर इम्पॉर्टेंट इज द कॉम्पिटेंस इन द पैशन एंड ऑफ कोर्स द एनर्जी, the look on your face, the smile in your eyes when you're, you know, excited. आप ना कभी भी जिंदगी में लेड बैक एटीट्यूड के साथ, कितनी भी आपको अंग्रेजी आती हो, कितने भी आप कॉम्पिटेंट हो, सारे प्लस पॉइंट्स हैं बट यू लुक इन लेड, यू विल नेवर क्रिएट एन इंपैक्ट. हाउ कैन वी बूस्ट अप आवर सीवी अदर देन हैंड्स ऑन कोर्सेस? तो आपके कुछ कोर्सेस हैं एमएस ऑफिस बीबी, इसके अलावा सीवी में ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सीवी बूस्ट अप हो जाए, मतलब नजरों में आ जाए? मतलब मैं प्रोफाइल पर बात करने के लिए सीवी पे देखें बेसिकली आपका, आप ये किस किस कहाँ अप्लाई करने के लिए सीवी अभी है, तो आर्टिकल्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए तो आपका जो आपका बेसिक है वही हम कंसिडर कर रहे होते हैं. देखिए आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैटर करती हैं, आपका इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रीडिंग बुक्स, दीज आर द थिंग्स व्हिच रिफ्लेक्ट दैट यू कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर. ये चीजें हमेशा याद रखें कि व्हेन समबडी आस्क्ड, लेकिन उसमें भी विट्स बहुत मैटर करती है. उसने किसी ने क्वेश्चन हमारे एक पैनल था, उन्होंने पूछा कि भाई डू यू रीड बुक्स, तो उसने कहा कि कौन से बुक का नाम पूछेंगे, तो उसने कहा यस यस आई रीड बुक्स, तो विच बुक हैव यू रेड रिसेंटली, अब वो परेशान हो अब ना यूं कह के यूं कह के. अखबार पढ़ते हो सर, एक किस्म की तो बुक ही तो लेकिन वो डिस्पाइट द फैक्ट उसने वो ऐसे उसकी विट्स थी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो भी था,
उसने इतने मजे से उसका जवाब दिया कि वो ना एक लम्हे को आपको भूल गया कि यार यू नो इज लाइक ही डजंट रीड. बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप वैसे ही हैबिट बनाए. मगर ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूर हम आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं. इट्स अबाउट व्हाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन, इट्स बिकॉज़ यू वी वांट टू नो कि आर यू द काइंड ऑफ पर्सन हु विल स्टिक टू द लैपटॉप ओनली और यू लुक अराउंड एंड सी व्हाट अदर थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू टेबल. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ सीएसआर वर्क, वी आर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स भी हो रही होती है, कोई चीज हो रही होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे इसलिए. और एक ये कि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो इन चीजों में इन्वॉल्व होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो पर्सनैलिटी जो है ना इम्पैक्ट अपना क्रिएट करेगी अदर देन वर्क. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ केपीएमजी. केपीएमजी वैल्यूज, एक मैं इसको कर लूँ लास्ट. इंटेग्रिटी, एक्सेलेंस, टुगेदर फॉर बेटर. हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है करेज भी इसमें. इंटेग्रिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जीरो टॉलरेंस है केपीएमजी में. इट इज लाइक जीरो टॉलरेंस फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी. व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? लुक एट द सोसाइटी इन विच वी आर ऑपरेटिंग. आई थिंक द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो केपीएमजी करती है टू द सोसाइटी इज दैट वी आर क्रिएटिंग अ रिसोर्स जिसको हम बिलीव करा रहे हैं इंटेग्रिटी में. अगर वो जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जब वंस यू आर आउट ऑफ केपीएमजी वर्किंग एल्सवेयर, तो आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करें? आपकी इंटेग्रिटी से आप एक ऑरा क्रिएट करें तो दूसरे लोग भी इंस्पायर हो. तो मेरा अपना पर्सनल वो है कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशन इज दैट व्हेन वी आर मेकिंग पीपल वर्क, वी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली इन ऑल इंटरेक्शंस, ऑल प्लेटफॉर्म, ऑल कम्युनिकेशन, वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द वैल्यूज एंड द फोकस एंड द पिलग्रिम एंड द फाउंडेशन ऑफ दोज वैल्यूज इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. अगर मैंने जिस पे बात हो रही है कि भाई अगर कोई आके मुझे अक्सर होता है फोन, इसको रखना है इसको करना, तो हम कहते हैं कि प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, उसमें जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते. वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट्स माय इंटेग्रिटी एंड आई हैव कॉन्फिडेंस कि अगर मैंने किसी को ये जवाब दे दिया तो मेरी लीडरशिप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेगी कि उसका बेटा था, उसने कॉल की थी तो आपने ये क्यों कह दिया. दे विल सपोर्ट मी. दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव व्हेन आई एम वर्किंग फॉर केपीएम. एक्सेलेंस, अब आप ये वाली वैल्यूज पकड़ें और अपने अंदर डाल के देखें. आपके अंदर इंटेग्रिटी है, आपको फैमिली ने वैल्यूज दी हुई है, आपकी अपनी फैमिली वैल्यूज होती है आपके अंदर. अगर आपको आपकी फैमिली ने वैल्यूज दी हुई है और आपके लिए भी इंटेग्रिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए है, तो देन यू आर द बेस्ट फिट फॉर अस, यू आर द बेस्ट फिट फॉर केपीएमजी, राइट? सो दिस इज द बेसिक थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेलेंस. एक्सेलेंस इज इन टर्म्स ऑफ, अगेन वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है आपकी नॉलेज, कॉम्पिटेंस, पैशन, एनर्जी. And also the way you look and present yourself, how you communicate, everything brings in excellence. So, ये excellence की जब बात करते हैं, it's like एक सोच वो आपके अंदर होनी चाहिए और मेरे अंदर इस एज पे भी है. हर दिन मैं अपने अंदर कोई कमी, कोई गलती identify करती हूँ, फीडबैक लेती हूँ, पूछती हूँ और मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए उतनी एनर्जी से. माई डॉटर वन साइड अम्मी आप आवाज नहीं आ रही, तो देखो ये इम्प्रूवमेंट मैं क्या कर रही हूँ, मैं जल्दी से माइक को अपने पास कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई चीज पिक करती हूँ. अगर इस एज पे हम ये कर सकते हैं, इतनी एनर्जी के साथ मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो आप इस एज पे क्यों नहीं एनर्जी शो कर सकते? आप क्यों नहीं डेली सोचते हो कि फाइन दिस इज व्हाट आई एम टुडे, व्हाट विल आई बी टुमारो, हाउ विल आई इम्प्रूव माई सेल्फ टुमारो. एंड फिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, मैं आगे फिक्स माइंड सेट की बात करूंगी तो मैं आपको बताऊँ. एक्सेलेंस को आप समझें कि एक्सेलेंस जब आप बात करेंगे तो आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को यहाँ सामने रखेंगे और देखेंगे मैं अपनी ड्रेसिंग में अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपनी लुक्स में अपने आप को, मैं अपनी हाइजीन में कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में कैसे बेहतर कर सकता हूँ, अपनी कॉम्पिटेंस में. अब आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं लेकिन मैंने आपसे एक जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे. तो यू नो यू शुड बी विजिलेंट. दुनिया में क्या हो रहा है, विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट. विजिलेंस कहाँ पे जाके स्टे इनफॉर्म्ड, पता रहना चाहिए, पता रखना चाहिए अपने आप को. अगर इस दुनिया में इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जब तक आप इतनी एक्सेलेंस पे इतना फोकस नहीं करेंगे, आप वहां नहीं पहुंच सकते जहाँ पे आप जाना चाहते. मुझे याद है दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, मैं इंटरव्यूज कर रही होती थी फॉर द क्लाइंट. एक जो था उसने अपनी अर्ली स्टेज में क्वालिफाई करने के बाद उसने क्या सोचा, उसने सोचा मॉनिटरी एस्पेक्ट कि मुझे सैलरी ज्यादा मिल रही है, गाड़ी मिल रही है. छोटी जगह थी, उसने कहा नहीं मैं यहाँ जॉब कर लूँ ताकि मैं शादी कर सकूँ.
He got married, he joined that place at a senior level. But exposure was limited, learning was limited. Seat designation, upar chala gaya, ab us designation ko compromise because these are the decisions you are taking in your life. What happened was that whenever I used to share a CV, people used to say, no, he's applying for this position, but he doesn't have the exposure and necessary learning for this position. So wo uska career compromise hai. So orientation ke aapko ye dekhna hai ki when you are taking the decisions of your life, you have to be clear ke shuru ke 4-5 saal mein aapko focus karna hai on learning brands, kahan pe main kaam karun jo mera brand ho aur jo mujhe leke pehle 4-5 saal monetary aspect se zyada is cheez pe focus karna. Once you have the necessary learning, then you can dictate, you can control, but that's like very, very important. Courage is like courage to say no, courage to speak up, courage to talk, courage to open the doors, courage to communicate, courage to tell, yes, I don't know this. Share your inhibitions. So there is a courage to always say what is right. Okay? And do what is right. So this courage again is one of our values. Together for better. So what are we? An inclusive culture where there is no discrimination, male, female, competent, incompetent, because we respect every individual. Jo wo anda mujhe laake chai bhi deta hai na, wo bhi meri team ka hissa hai. Kyunki jab wo mujhe chai deta hai, to main kaam karti hu, to meri energy aati hai, whatever. To hum usko bhi respect denge. हम पार्टनर को भी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम उनको भी रिस्पेक्ट दें जो हमारी टीम में कुछ लोग होते हैं जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, उनकी जो डिलीवरी अच्छी नहीं होती, वो बात नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं, तो हमें उनको भी रिस्पेक्ट. दैट इज व्हाट केपीएमजी सेज, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल, नॉट बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज डिलीवरिंग, ही इज एक्सलेंट, बट बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल टू बी रिस्पेक्टेड. इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बायस, यू रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल. टुगेदर, इंक्लूसिव कल्चर फॉर बेटर. So trust is built on all these things. And when you have the trust through integrity, courage, excellence together, then what will happen? You'll grow as a firm. You'll grow as an individual also. Aapki firm grow karegi, aap bhi grow karegi. Sure. Bas ye ispe thodi si baat karenge, phir hum discussions pe jayenge. Because this is what KPMG is about. Bahut important cheez hai, purpose. पर्पस ऑफ आर लाइफ. जब मुझे ये पहली दफा किसी ने इस पर बात करने को कहा ना, तो मुझे हुआ कि मतलब पर्पस क्या, इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड एम्पावर चेंज. मैं इंस्पायर कॉन्फिडेंस कैसे, अगेन जो हम बात कर रहे थे थ्रू चार्ज, आप लोगों कहते थे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं केपीएमजी, मैं कहूँगी मैं केपीएमजी हूँ, तो आप कहेंगे यस. केपीएमजी ने इंस्पायर ट्रस्ट कर दिया, ठीक है, empower change, and through that confidence we empower change in the societies, in the people who are working for us, in the other clients, and in other member firms globally. We empower change through the platform of KPMG. This is the higher purpose of life. Iski sabse achhi misal aapka skill set hai, apna skill set identify karte hain aur aapko pata chalta hai aap jo hai na chartered accountant banna chahte hain, theek hai. अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आपने सोचा कि मैं मतलब बनूंगी, फिर मैं पैसे कमाऊंगी, फिर मैं अर्न करूंगी, मैं करूंगा, मैं ये बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा. इट्स ऑल अबाउट मी, इट शुड बी ऑल अबाउट अस. मैं भी ग्रो करूंगा इस फॉर्म में, मैं काम करूंगा जिस जगह मैं काम, वो भी ग्रो, जो लोग मेरे साथ काम करें वो भी ग्रो. तो आपका जो ओपन माइंड है ना, एवरीथिंग, it's not about me. So aapka purpose ye hai ki jaise badi achhi simple si misal do, yadi apne se taali di the unke andar kya quality thi, wo logon ki help kar sakte. Ab unhone apni quality identify ki, main logon ki help karna chahta hu, madad karna chahta hu mushkil mein log, to ye bhi kar sakte the, wo mohalle ke andar hi apni thoda bahut logon ki help kar lete. Mujhe bhi bahut shauk hai logon ki care karne ka, maine bhi apne thoda bahut friends ki care karne ka. When your skills meet the needs of the world, there lies your higher purpose. And that is when, agar aap ordinary hai na, aur ye extraordinary. Ordinary ko extraordinary mein jaane ke liye jo ye threshold hai na, wo wahi hai. Ki jab aapka skill set se aap dikhaye create an impact on the world, ki baat duniya ko better karne ki baat. Abdul Sattar ji ne jo kaam kiya, maine apne aap ko
अपनी स्किल को लेके नीड्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि और क्या है उनका हायर पर्पस, और वो क्या बन गए एक लेजेंडरी फिगर। आप अगर एक्सीलेंस अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो अपने काम को ये सोच के करें, आज मेरी जो पढ़ रही हूँ मैं पढ़ूंगी तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी या बन सॉरी मैं चीजों से ज्यादा हो सकता है, मैं लड़कों की तरफ जाऊंगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं इस तरह लोगों की लाइफ बेहतर करूंगा, मैं ऑडिट अच्छा करूंगा, इंटेग्रिटी के साथ करूंगा तो मेरा इम्पैक्ट होगा। तो ये आपको अपने अंदर ये पर्पस का, जब आप ये पर्पस पहले तो सुबह ओके मैं मुंह से आप जाएंगे ना, देयर आर पीपल इन योर टीम की का यार थोड़ी तो एनर्जी उसके से डालो यार, काम अपने काम बता रही हूँ मेरा क्या होगा, मेरी भी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, मैं इस टीम के साथ में डिलीवर कर दूँ, लेकिन अगर वापस उधर से आ रहा है जी मैम फिक्र ही ना करें हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है, मैं ये करूँगा ये भी करूँगा मेरा ये भी आइडिया, वॉट हैपन टू मेरी भी एनर्जी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं वो पूरी एनर्जी डाल रही लेकिन आपको मैं कह रही हूँ अच्छा यार टाइम का खत्म होगा प्रेजेंटेशन का, मैं कब जाऊँ चलो चलते हैं एनर्जी टू वे। तो आप टीम से बात करते हैं क्यों नहीं है उनके अंदर एनर्जी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सोचा है सुबह आना है काम करना है, उस काम में उनको हायर पर्पस नहीं मिला कि मैं आ रहा हूँ ये भी अंदर भी कहती हूँ। किसी ने कहा कि एक ऑडिट का था रोबड़ी एक एग्जाम्पल चाहिए कि ऑडिट का बंदा था सीनियर मैनेजर था, वो एक मीटिंग में गया और वो मीटिंग संडे में थी, तो मुझे बहुत खराब था मेरा संडे को मीटिंग ना थी, मेरा संडे जो है स्पॉइल हुआ और मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रह सकता था एग्जाम बहुत है ना, एंड ही वेंट देयर, क्लाइंट भी जब गया तो क्लाइंट एक शेडी बिजनेस सॉल्व ने उसको नो कर दिया, अब तो वो जो फाइनेंशियल गेन और एस्पेक्ट था वो भी निकल गया। अब जब वो वापस आया था उसने सोचा कि माय गॉड अगर मैं मेरा तो पूरा संडे जा रहा था, मुझे टाइम भी नहीं मिला बिजनेस भी नहीं मिला, लेकिन उसने उन्होंने कहा कि उसने अगर उनको ये रियलाइज कर दिया कि जब किसी का ऑडिटर ये भी एमजी होता है किसी भी जगह का तो हम उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, हम सोचते हैं इसका ऑडिटर कौन है, केपीएमजी, केपीएमजी ने तो क्लाइंट ने सेलेक्ट ही किया होगा, उसको पूरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट होता है कंप्लीट एक प्रोसीजर है इसमें, जब से हम क्लाइंट को ओके करते तो केपीएम की इंटेग्रिटी के साथ काम करता है तो उसका क्लाइंट की इंटेग्रिटी से चेक भी हो तो फिर आई कैन इन्वेस्ट। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने अपनी स्नो से क्लाइंट का ट्रस्ट इंश्योर कर दिया उसको स्ट्रेंथन कर दिया या उसको कन्फर्म कर दिया तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये मेरा हायर हो गया। आप लोग सब जो कल को चार दिन अकाउंटेंट्स बनेंगे तो आप लोग कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी करेंगे, ठीक है, अगर आप इंटेग्रिटी से काम करेंगे, आप एक्सीलेंस पे फोकस करेंगे, करेज से नो करेंगे, ठीक है, करेज से स्पीक आउट करेंगे जब भी कोई चीज गलत हो रही होगी आप स्टैंड पे, आप तो सोसाइटी हमारी ओवरऑल इतने सारे लोग जो सोसाइटी में जाते हैं जो इंटेग्रिटी पे वैल्यूज पे फोकस होते हैं, ये केबीएमसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि हम अपनी वैल्यूज को हमारी फाउंडेशन हर चीज नो करेंगे, फाउंडेशन हमारी वैल्यूज। तो जब आप आ रहे हैं तो आपको क्या दिखते हैं, अगर आप ऐसे आप सोचेंगे यार इंटेग्रिटी सही है लेकिन आप इसको करने थोड़ा सा देखना भी चाहिए ना, इतना गेन आ रहा है तो मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात है मैं उसको नो कर दूँ, गलत बात कर उसको मुझे श्योरिटी भी नहीं है कि वो गलत है, 1% मुझे डाउट हो रहा है तो चलने दो, तो फिर आप यू नॉट द बेस्ट मे बी बेस्ट फॉर अस, तो दिस इज दीज वैल्यूज मैटर टू यू एज मच एज दे मैटर टू अस, यू आर द बेस्ट एंड दिस इज व्हाट व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड दीज थिंग्स आर द वंस व्हिच आर बीइंग फोकस्ड। तो पर्पस का समझ में आ गया कि कोई भी लोग जो अपने काम को इस तरह करते हैं तो वो ये समझते हैं, जैसे एक बंदा है वो लिफ्ट में था, वो स्पेस का ऑफिस था, तो उसने जब एंटर हुआ दूसरा बंदा एलिवेटर में तो उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा आई एम सेंडिंग मैन टू मून, लिफ्ट और एलिवेटर और ऑपरेटर है और ये कह रहे हैं, उसने कहा वर्किंग इन द प्लेस वेयर दे आर वर्किंग ऑन सेंडिंग मैन टू मून, तो आई एम सेंडिंग मैन, वो उसको अपना पता था कि वो कहाँ बैठा इस सोसाइटी में। अगर आप केपीएमजी में काम करें या फिर काम करें और आप इंटेग्रिटी वैल्यूज एक्सेलेंस चीजों के साथ काम करें तो आप सोसाइटी को ऐसी वर्कफोर्स दे रहे हैं जो कल को इन चीजों को मेंटेन करे, हमारी सोसाइटी शायद बेहतर होगी, होपफुली नॉट सो इजी। दिस इज केपीएमजी स्टोरी, बेसिकली ये कि हमारी वो जो थी ना एक तरफ वैल्यूज एक तरफ पर्पस एक तरफ वो सारी उन्होंने मिलाई, जैसे अगर फिगर है ना सिंपल एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 1 वहां पड़ा है 2 वहां पड़ा है 3 कोई इम्पैक्ट नहीं, फिर आप करते हैं 1 2 3 4 5
एक फिगर आ गया उसका इम्पैक्ट आ गया। अगर आप करते हैं 5 4 3 2 1 कितना बड़ा फिगर आ गया, कितना बड़ा इम्पैक्ट आ गया। What they did was, foundation of everything is, this is what we believe in, this is what we want to be the clear choice. Clear choice के लिए our people are extraordinary, है हमारा vision. Our clients believe in us, they have trust in us. And public trust, clients का trust, लोगों का extraordinary होना हमारा, ये this is what we want to be. This is what we get there, again, this is excellence, कि आपकी work capacity. क्योंकि कितने भी आप अच्छे हो जाए, कितनी भी अच्छी वैल्यू हो, अनलेस यू हैव द कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू डिलीवर एज एन ऑडिटर, यू हैव नो वैल्यू। सो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस लर्निंग, दिस इज हाउ वी वांट द वर्ल्ड टू सी अस, दिस इज आवर थॉट्स। सो ये उन्होंने एक चीज किया कि ये हमारी फाउंडेशन, हर चीज की फाउंडेशन वैल्यूज है, फिर हमारा पर्पज है, ठीक है, फिर हमारी स्ट्रेटजी है। तो एक स्टोरी का क्रिएट किया कॉन्सेप्ट जिसमें हम इन सारी चीजों पे फोकस करें। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, केपीएमजी को बड़ा मजे का है ये फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वो होता है और बहुत आपके आपके मिलने जुलने वालों में, फ्रेंड्स में, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप कहेंगे ये चीज ऐसे हो सकती है, बेहतर हो सकती है, वो क्या कहेंगे, ऐसे ही होता है यार, ये हमेशा ऐसे होता है, ऐसे ही होगा, नहीं नहीं यार चेंज करेंगे आप, चेंज हो जाएगा, नहीं यार चेंज कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस में, मुझे पता कभी चेंज नहीं। दिस इज द फिक्स्ड माइंडसेट, बट व्हाट एपीएमजी इज लुकिंग फॉर अ ग्रोथ माइंडसेट, पीपल हु आर रेडी टू अडैप्ट चेंज, अडैप्ट टू द चेंजेस इन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, हु आर फॉरवर्ड थिंकिंग इन देयर एटीट्यूड, हु आर गोइंग टू अडैप्ट टू एनी चेंज। हमारे पास पहले माईपीडी था, फिर ओपन पीडी आ गया, जब माई पीडी था तो मैं उसको सारा डील करी थी, उस पर ओपन पीडी आया, तो पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है, लो अब पहले पहले वो किया है, अब इसको करें। बट ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलो देखें तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट किया होगा, उसका कोई बेनिफिट होगा, उसका कोई इम्पैक्ट। तो वो आप जब कभी भी लाइफ में चेंजेस को और चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, आप तो यंग हैं, यंग लोगों में तो बहुत एनर्जी होती है चेंजेस के साथ अटैक करने की, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ग्रोथ माइंडसेट होता है जो अपने आप को भी हर वक्त इम्प्रूव करने की कोशिश करता होता है और चेंजेस इन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट को भी फौरन एक्सेप्ट करा। सो यू वी नीड पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट। और फ्यूचर वर्कफोर्स जो है, जिसको हम आजकल कहते हैं ना फ्यूचर वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर, वो भी वो लोग हैं जो स्ट्रेच करते हैं अपने गोल। स्ट्रेच का क्या मतलब होता है, आप ये सोचते हैं अच्छा मैं आज तो ये चार काम करती हूँ, अब मेरा स्ट्रेच क्या होगा, चलो मैं ये सीखूँ, क्या करूँ कुछ डिफरेंट, अच्छा मैं कुकिंग सीखती हूँ, अच्छा मैं ऑडिट कर रही हूँ लेकिन मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखती हूँ, मैं कम्युनिकेशन पे अपनी काम करूँ। हर वक्त अपने आप को आप यू हैं और आप स्ट्रेच करो, दिस इज केपीएमजी थॉट प्रोसेस। दिल से कि अच्छा ये आपके गोल्स हैं, व्हाट इज द स्ट्रेच दिस वन, थोड़ी मोर लाइक हम काम कर रहे हैं एचआर में और फिर सोशल क्लब बना, तो हम सबका स्ट्रेच क्या था कि हमने कहा सोशल क्लब में भी हम काम करें, वो हमारे काम कम तो नहीं हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम तो नहीं, उसका कोई हमें बेनिफिट भी नहीं, हमने अपना स्ट्रेच क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये एक्टिविटीज हम डिलीवर कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, कि केपीएमजी अपने प्लेटफॉर्म में कंप्लीट पे लगाते हैं, तो इनको भी चाहिए क्या किया, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट भी कैसे किया, आपने पिक्चर दे ली, दिस इज ऑल पूरा एक एक्सपीरियंस था, टू डेज वर्क एक्सपीरियंस जर्नी जो हमने क्रिएट किया। तो ये आप अपनी लाइफ में मुझे कुछ स्ट्रेच करें, मुझे अब ये सब कुछ आ गया, अच्छा मुझे और क्या बेहतर करना, तो उसके लिए आपके मेंटर पूछेंगे कौन सी चीज मैं करूँ जिसमें मैं टाइम इन्वेस्ट, वो नहीं ऐसे लोग डिग्रियाँ लिखियाँ लिखियाँ हमें ये कर लेंगे, बेहतर करेंगे चीज़ें जो आपको आपके लिए प्रोफेशन में एक्सलेंस करें उसकी तरफ। आई थिंक दैट इज गुड इनफ, ये हमारा ईएल फ्रेमवर्क है, इसमें वही बात जो भी की है कि ये इंस्पायर कॉन्फिडेंस टू ट्रस्ट, सीक ग्रोथ अपनी नहीं सिर्फ अपनी टीम्स की, अपने क्लाइंट्स की, अपनी कम्युनिटीज की, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ केपीएमजी में, डिलीवर इम्पैक्ट, इंस्पायर ट्रस्ट करना सीक ग्रोथ है। अगर आप ये हैं एज अ पर्सन एंड यू आर एवरीवन अ लीडर, ईच वन ऑफ यू विल बिकम एंड दैट इज व्हेन यू बिकम व्हाट केपीएमजी इज। बस दैट्स इट क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। I have tried to, मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं की, मैंने शेयर किया, मे बी आई एम प्रोफेशनल ऑल्सो, बट आई एम ऑल्सो समबडी हु ट्रीट्स यू
ताकि कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को ओरिएंट करने के लिए लाइफ में. आपको ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप वहां खड़े हो जहां से अपना जर्नी सही काम करेंटरेक्शन. सो थैंक यू सो मच. पहले आप लोग फिजिकल स्टूडेंट्स एक का क्वेश्चन कर ले, फिर देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आप लोग स्टार्ट करें. सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब कोई बात कर रहा था. अब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको बुला कर खड़ा कर दूँ आपको मुश्किल हो जाएगा बात करना. ठीक है, तो जब कोई बात कर रहा होता है कोई, तो उसको सुनना रिस्पेक्ट से. लिसनिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट स्किल. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग. ट्रस्ट को है केपीएमजी पे करना है, केपीएमजी को करना ट्रस्ट करना चाहिए. तो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जब टू वे कम्युनिकेशन. अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म जो है ठीक है, हमने एक्सपीरियंस गेन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन आई थिंक जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि मैं क्वालिफाई होना है विद द मिनिमम पीरियड पॉसिबल. तो आप क्या मेजर्स देते हैं ट्रेनीज को सपोर्ट करने के लिए जो आते हैं? देखिए, ऐसे फॉर्म के अंदर जो भी मैनेजर्स होते हैं ऑडिट के, जहाँ पे आप टीम्स में काम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ लीव तो आपको एचआर सपोर्ट करता है और बाकी गाइडेंस को ही आपको चाहिए तो एचआर सपोर्ट करता है. द रेस्ट इज दैट जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, द रिलेशनशिप्स एट केपीएमजी इट्स मोर लाइक अ फैमिली. इट्स नॉट, आपको वहाँ जाके ही महसूस होगा कि यू नो अभी मैं उधर से पूछ लेती हूँ कि ऐसा है, ऐसा फील होता है. नहीं फील होता. सवाल क्या था? मैंने कहा था केपीएमजी फैमिली की तरह लगती है. नहीं नहीं उसे अच्छा नहीं, ये बात इतनी गलत है. देखो मैं एक बात बताऊं, ये भी एक चीज ध्यान में रखो कि एक कल्चर है, फैमिली कल्चर है. आप अपने घर में होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं, तीन बच्चे अपने माँ बाप से बड़े खुश होते हैं, एक बच्चा नहीं भी खुश होता, कोई बात नहीं. काम करते करते अब अगर मैंने जो बात शुरू में की थी कि बैरियर इधर है, इधर डोर बंद है, डरा है, नहीं कॉन्फिडेंस से बात करता, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, थिंकिंग होता जाता है, थिंकिंग होता जाता है, तो कहीं ना कहीं कितने भी फॉल डाउन, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है. दूसरे, आप कभी भी आप कहते हैं ये मेरा बेंचमार्क है, हम एज ए मुस्लिम भी हम समझते हैं ना, हमें हमारे जो ये कि ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, क्या हम उसको अचीव कर पाते हैं? नहीं, हम हमेशा उसकी तरफ जाने की कोशिश करें. मुझे याद है जब मैंने केपीएमजी ज्वाइन किया था, मैं आपके ऑफिस में बैठी इंटरव्यू था मेरा, तो ऐसे ना वैल्यूज लगी, मैंने सोचा इतनी बुरी जगह लगी थी ना, वैल्यूज वॉल पर लगी थी, तो कोई ना कोई बेंचमार्क तो सेट हुआ ना फॉर गुड बिहेवियर. सो इट्स लाइक यू नो देयर इज मोर बेसिकली जो आपका वो है ना फैमिली कल्चर है, पीपल आर देयर, मेंटर्स आर देयर, पीपल हु आर देयर टू गाइड, सो दे आर देयर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू इज टू बी प्रोएक्टिव. और अब हमारा इनिशिएटिव ये भी है कि जो लोग पास कर जाते हैं, जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो क्वालिफाइड करते हैं, कोशिश करना चाह रही हूँ उनको, उन लोगों से बातचीत और सेशन करें जो लोग पेपर दे रहे हैं, ताकि उनको वो एम्पावर. एक चैनल पर आ गया था, मैंने भी इनिशिएट किया, जो हमारे हेल्थ पीपल है उन्होंने ये चीज इनिशिएट किया कि इस तरह से एक सेशन भी करा. और कभी भी एक बात याद रखें कि देखिए अगर एक चीज आपके जहन में कभी कोई आइडिया आए वहां रहते हुए, अगर आपको लगे ये चीज इतना बेहतर की जा सकती है, ऑलवेज कम एंड टॉक टू एचआर. इज ऑलवेज कुछ सर, मैं अप्रोचेबल हूँ, ट्रांसफर अप्रोचेबल है, निदा अप्रोचेबल है, वी आर देयर. सो यू नो आइडिया कोई भी आपके जहन में है जो हमारे लिए, देखिए एक बार याद एम्पैथी कॉल इज मोर. एक बार लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, हम इंटरव्यू दे रहे थे, अब हमें नहीं पता कि जो इंटरव्यू के लिए वेट करा उसकी वो क्या सोच,
ज्यादा मैं उठ के गई और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप बता आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो एक बंदा बोला मैं तो इतने बजे आया और ये इतने बजे आया, हम तो ऑर्डर ऑफ इंटरव्यूज जो कोऑर्डिनेट हमने किए हैं ना उसके मुताबिक बुला रहे हैं, मुझे 2 घंटे में वेट किया, अभी आया है और अभी ये चला गया। तो ये एम्पथाइज करना थोड़ा जरूरी, तो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम आपको फेस आ रही है, जो चीजें आपको लग रहा है कि इसमें एक स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग को प्रॉब्लम आ रही है, वो कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फीडबैक हेल्पिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। सो मोर पॉजिटिव इन बोथ माइंडसेट की जरूरत होती है कि आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मुझे लगता है हम ये चीज ऐसे बेहतर कर सकते हैं, मैं आपको कहूंगी प्रैक्टिकल है ये भी प्रैक्टिकल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ना लैपटॉप से आवाज आ रही है, तो द नियर टू कम अच्छा अच्छा लैपटॉप तो ऑनलाइन वालों को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिकल से करना चाहते थे, सवाल सुन लेते कि करते अब कैसे करें आप देखते जाओ। बोले बोले। नहीं हम वेट करते हैं, अगर वो ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट साइकिल हो जाए उनका क्लियर तो वो रिजल्ट अपडेट करते हैं, वो प्रोसेस है हमारे पास। मतलब वो अनरजिस्टर्ड देखिए बात जो कर रहे हैं। सिलेक्शन हो रही होती वो आपकी इस तरह ही हो रही थी, फिल्टर डाउन मेरिट पे ऊपर से हम नीचे जा रहे थे देख रहे थे। तो अगर फर्ज किया हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 पेपर लेफ्ट वाले हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर हम आपको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैफ क्वालिफाइड हैं, हम उनको कंसिडर करेंगे। सो दिस इज गोइंग डाउन जैसे सिस्टम में जा रहा था शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन रिजल्ट जो होता है हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि आपका अगर आ गया है और आप पास है तो अपडेट करें। आप पूछें। जी बिल्कुल, आर यू सेटिस्फाइड? जी बेटे, आपने जो प्रोफेशन चूज किया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ इट इज अ क्लाइंट बेस्ड एंगेजमेंट वर्किंग ऑन देयर डेडलाइन सेट बाय द क्लाइंट्स, देन दीस टाइप थिंग्स हैपन, बट फर्म एज अ लीडरशिप टोन, फर्म एज अ कल्चर इज नॉट एनकरेजिंग, सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट। इस पे भी एक ईमेल कम्युनिकेशन भी मीटिंग के भी रेट सेटिंग को डिस्करेज करना है, और इस पे कॉन्स्टेंटली लीडरशिप के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं फ्रॉम द हमारे जो सीनियर पार्टनर है, वो हमेशा ही कहता है कि यू नो देयर शुड बी नो लेट सेटिंग, यू शुड डिस्करेज दिस। तो एट द सेम टाइम बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यू कांट रियली वॉक ऑफ कंप्लीटली कि हम बिल्कुल लेट सेटिंग बस। आपने प्रोफेशन चूज किया है, अगर मेडिकल का प्रोफेशन और हाउस जॉब में लाइफ होती है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू व्हेन यू हैव टू यू नो यू चूज अ प्रोफेशन यू नो कि इसमें ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए फीमेल्स को काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं। एंड ऑफ द डे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसको हमने 2 चीजें देंगी, हम ये लेट सेटिंग को एज अ फर्म एज अ लीडरशिप एज अ कल्चर वी डू नॉट सपोर्ट एंड एनकरेज, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी इन वर्क इन कोलैबोरेशन विद द पार्टनर्स एंड द मैनेजर्स कि कहाँ पे वो जरूरी है, कहाँ पे फिर उसके बाद उसको स्पेस भी देते हैं। जब वो कोई लेट पे करके जाता है, लेट से आता है, कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट हो रहा होता है, नींद में कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट होता है, जो वॉइस नहीं होता, बहुत से बेनिफिट्स भी दिए जा रहे होते हैं अगर आप लेट से करा, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट किया जा रहा है। एंड ऑफ द डे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज दैट फर्म ओवरऑल इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन द फैक्ट कि हम वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स आप भी लेंगे, वेरी सीरियस टोन है इसके, हम इसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं और ओनली नेसेसरी हो तो अननेसेसरी लेट से थिंग्स ना हो। जैसे कि उन्होंने पूछा आपसे अपने सवाल में कि आप जो एफटीएस को देखिए है इंपॉर्टेंस, देखिए एफटीएस को इंपॉर्टेंस देते हैं, रिसेंट एफटीएस के पीछे जाते हैं, एफटीएस को इंपॉर्टेंस देते हैं, तभी तो एक ड्यूरेशन नहीं होती ना आपको किस एफटीएस दे सकते हैं और वरना तो हर एफटीएस अप्लाई नहीं नहीं होती। मगर अगेन वो बात है, जितने लोगों ने पोर्टल पे अप्लाई किया होता है स्क्रीन होता है और उसके हिसाब से देखा जाता है, खाली एफटीएस को नहीं। अगर आपका एफटीएस मोस्ट रिसेंट है और आप ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी आपकी और डिलीवरी और सब नहीं है, तो दैट इज नॉट यू नो दैट इज वन एस्पेक्ट, ऑलवेज दैट इज वन एस्पेक्ट, जैसे इंग्लिश अगेन इज वन एस्पेक्ट। How should a candidate approach an interview? What should he be expecting from the candidate? If I know, if there is a question or something, if there is a assessment or something. देखिए आपको एक बार कुछ तो अपनी जो प्रोफेशन से रिलेटेड कॉन्टेक्ट जो भी आप
थोड़ा सा टेक्निकली फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू भी आपको प्रिपेयर करना है, तो हमारे यहाँ फर्स्ट इंटरव्यू में ऑडिट मैनेजर और इंटर्न से टेक्निकल है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टुडे न्यूज समरी यू शुड ऑलवेज फोकस, पिछले एक हफ्ते के न्यूज पेपर पढ़ करके करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी शुड ऑल एटलीस्ट, अभी तो न्यूज पेपर का टाइम नहीं है, आप लोग उसका भी देखते हैं, लेकिन अवेयर होना चाहिए। चले ये लोग बातें करें, हम उनकी बातें सुनते हैं। यार आप लोग प्लीज थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करें ताकि हम इफेक्टिवली क्यू एंड ए सेशन कर लें। और मैं समझता हूँ कि सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यू एंड ए सेशन है कि आप लोगों के जो दिलों में सवाल है, जो कंसर्न्स हैं, वो ये आपके सामने आके आंसर कर रही है इंटरव्यू से पहले। ठीक है, तो काइंडली आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें। आप पूछे भाई जी and obviously I have to work with the other party karta and we thought yaar aap log check karte hain ki aap log kitne kaun se candidate bete hai udhar candidate dekh lo ki kaun kaun bete hai so is there anything in terms of stipend you are talking about stipend okay yeah paid मिनिमम वेज पे तो हम फोकस करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। बाकी जो ट्रेनी का स्टाइपेंड होता है वो आईकैप के थ्रू ही होता है, और उन पे भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना भी हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो देयर आर, ये एक ऐसी चीज है कि इस पे आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू एन आंसर राइट नाउ कि इसमें कोई रिविजन है या कुछ ऐसा है अभी फिलहाल तो, मगर आईकैप से तो हम वो करते हैं। और स्टाइपेंड में कोशिश हमारी डेफिनेटली हमारी है, पर जहाँ तक इनिशिएटिव या टोन का फॉर्म की तरफ से कोशिश है उनकी होती है कि आप उनका ये एंगल भी देखा जाए, इस पर देखा जाए, स्टाइपेंड रिवाइज किया जाए। मेरी 6 अटेम्प्ट लगी है क्या आपको? नहीं एक ऐसा फर्स्ट रैंक कुछ और 5 फैक्टर, 6 अटेम्प्ट में मैंने कैप किया है। आज के पीएमजी में एक और हमारे साथ का 6 अटेम्प्ट में कैप, पीडब्ल्यूसी नंबर ऑफ ऐसा मैटर नहीं कुछ नहीं करता। है उसमें। अब देखिए जो जिसका कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसका और एस्पेक्ट भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां से वो सिलेक्ट नहीं हुआ और उसने अज्यूम कर लिया कि इस वजह से। बॉडी लैंग्वेज का देखिए, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, अपराइट हमेशा बैठना चाहिए, बिकॉज अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, सॉरी मैं फिर इधर मूव कर दी, इनको प्रॉब्लम हो रहा हूँ, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब बैठे हैं तो आप एक रिस्पेक्ट क्या है किसी की भी, कि आप उसको अपराइट बैठे, लेट बैक आपका बैठने का स्टाइल जो मैटर करता है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा ये कि आप जब सुन रहे हैं बात, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सुने, लिसनिंग लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो वो एक चीज आप देखें कि आप पूरा क्वेश्चन सुन लें, कॉन्सेंट्रेट करें जो क्वेश्चन करें, उसके बाद उसको आंसर करें, बीच में नहीं बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी ये कि आपने ये देखना है कि अगर आप फर्ज के आप एक मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो परेशान मत हो, क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट, इट्स ओके, यू आर नॉट सपोज टू बी एन एनसाइक्लोपीडिया, यू आर सपोज टू बी ह्यूमन बीइंग, राइट? सो डोंट उस वक्त फौरन पैनिक नहीं करें, ओ माय गॉड ये सवाल किया, इसका तो मुझे जवाब ही नहीं आता था, अब गया। आपने अपने आप को अपनी फुल एनर्जी को इस पर रखना है कि हम जो अगर 3 बातें नहीं भी मैंने सही बताई तब भी मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ, और जो 5 सवाल सही जवाब दे गया वो भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी और चीजें कॉम्प्रोमाइज थी, तो इससे परेशान नहीं हो, यू नॉट सपोज टू बी नोइंग एवरीथिंग। एडवाइजरी का क्यों नहीं, बहुत स्कोप है, आप आके हमारा एडवाइजरी फंक्शन देखें, यू विल फाइंड देम। इनफैक्ट अभी जब आपकी जब हमारी ओरिएंटेशन हुई थी तो एडवाइजरी फंक्शन ने पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, एडवाइजरी इज गोइंग ग्रेट, इन केपीएमजी में एडवाइजरी फंक्शन इज गोइंग ग्रेट। और डेफिनेटली आपको पता है अगर अदनान रिजवी एडवाइजरी के पार्टनर होके सीनियर पार्टनर बन सकते हैं तो इसका मतलब है ग्रोथ तो कहीं भी लिमिटेड नहीं है ना, किसी चीज़ कोई रिस्ट्रिक्टेड ऐसी चीज़ है। आपको अपना इंटरेस्ट जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, जब वहाँ जाएँ तो फिर ऑडिट में चले जाएँ या जहाँ भी, तो जरूर देखें कि एडवाइजरी में क्या हो रहा है, टैक्स में क्या। फॉर्म में ऑप्शन भी रखा है कि इंटरेस्टेड इन एडवाइजरी, बिल्कुल। हम तो इंटरव्यू के वक्त पूछते हैं कि डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन इंटरनल ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी। जी एनी अदर क्वेश्चन? आप
रिटेन की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, आप आगे आके बता देंगे? आप थोड़ा सा लाउड सवाल कर ले तो आज ऑफ कोर्स किए जाते हैं मंसूर, बिल्कुल किए स्कोर कार्ड के बारे में। हाँ स्कोर कार्ड भी कंसीडर हो। किसी और भी सवाल है ऐसे? एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं नहीं ऐसा कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन के इस मार्क्स और इस मार्क्स 70-80% जो भी होंगे वो देखते हैं जी, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर होती है, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करके हम नहीं छोड़ते। ए लेवल ओ लेवल स्टूडेंट्स और मैट्रिक स्टूडेंट्स दोनों के साथ साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। अगेन वही बात है कि वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ओ लेवल ए लेवल होगा तो हो जाएगा और मैट्रिक हो इंटर होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगेन मैं आपको बताऊँ पूरी लाइफ में एक बात याद रखो, आप जो है ना जब आप यू बिलीव इन योर सेल्फ अदर्स बिलीव इन यू, इफ यू आर गोइंग टू हैव डाउट्स इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी एंड यू नो योर ग्रोथ, खुद आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, मैट्रिक हूँ इंटर हूँ बैकग्राउंड ऐसी है अंग्रेजी नहीं आती कुछ भी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं आई एम गोइंग टू मेक इट एंड आई एम गोइंग टू बी देयर। तो अपने अंदर डाउट्स नहीं आते, देखो आप मैट्रिक बैकग्राउंड से हैं तो क्या आप अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करने छोड़ देंगे? नहीं है। आपको क्या पता मैट्रिक बैकग्राउंड का बच्चा कहाँ पहुँचा है? अभी आप देख लें अगर हम एक्सप्लोर करें जाके कितने लोग होंगे इंटर मैट्रिक के कहाँ से, नथिंग कैन स्टॉप यू, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राई। ऐसे सारे क्राइटेरियाज होते हैं, इन क्राइटेरियाज को कभी भी अपने दिमाग में ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कोई इंपॉर्टेंस आप दुनिया में किसी रेफरेंस से हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए रेफरेंस जो रेकमेंडेशन या रेफरेंस कोई चीज है ना वो एक ऐसी चीज है पूरी KPMG छोड़े पूरी दुनिया में 2% पीपल नेमिंग जो ऐसे किसी कनेक्ट किसी सोर्स कहीं पहुंचते हैं उनमें से भी 1% सर्वाइव करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे काम में कैपेबिलिटी आ जाती है। अगर हम काम नहीं कर पाएंगे आप चाहे किसी के भी रेफरेंस हो मैं आपको अच्छी रिसोर्स तो नहीं समझूंगी, तो वो उस चीज को भी अपने माइंड के ब्लॉक को भी हटा दो। जब मेरे सामने इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आता है जब हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं सामने इधर है हम लोग कर रहे होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, वी डोंट लुक एट एनी वी जस्ट लुक एट योर ग्रेड्स योर FTS योर ये चीजें जो हमने आपको रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया दिया होता है हम उसी को देखते हैं, हम नहीं देखते कि अब्बा क्या करते हैं अम्मा क्या करते हैं, नो वी आर जस्ट लुकिंग एट यू योर अकम्पलिशमेंट एंड इवन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी चेक। सो अगर हम इंटरव्यूज पूरे दिन में इसी तरह हो रहे हैं कारण पे तो वो रेफरेंस रिकमेंडेशन के लोग वो माइनॉरिटी कोई होगी मैटर नहीं करता, आपने उसको कभी भी कल को आप जब वहाँ पहुंचे होंगे तो रेफरेंस वाला अक्सर ऐसे जगह पहुंचेगा जहाँ पे उसको लोग सोच रहे होंगे यार ये इसको तो रखना पड़ गया। आप ऐसे तो नहीं होना चाहते ना, यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप अपनी मेहनत से किसी भी रेफरेंस किसी भी सोर्स के बगैर जिंदगी में आगे जाए। और सोसाइटी जो बनती है ना वो आप जैसे लोगों से बनती है जो किसी भी रेफरेंस रिकमेंडेशन के बगैर अपनी जात को लेकर आने का। कहाँ से आवाज आ रही है? नजर नहीं आ रही। पिक्चर्स वगैरह कुछ खींचे आप? आ रही आवाज आ रही है, आप शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम। My question is, देखिए रीसेंट अगेन कोई कैंप क्वालिफाइड होगा कोई और चीज भी देखी जाएगी, तो ये जो एक हमने स्पेंड कर दिया इसके बीच में हम सबको देख रहे, फिर आपका अपना वो है आपका बाकी सारी चीजें। देखिए एक अगेन मैंने आपसे सारी जो बात की उसकी रेस्पेक्ट, तो हम भी अच्छे कॉम्पिटेंट डायनामिक लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं जिन्होंने अच्छा किया जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं जो बात अच्छी,
सब देख रहे हैं ना, तो वो ऐसे जब वो मैरिट और क्राइटेरिया हमने कोर्ट से दे दिया तो कोर्ट करा देगा। पर वो करते हैं रीसेंट एप्लीकेशन से पीछे जा रहे हैं। मैम आप को इंग्लिश को बल्क में सी को एंड एवरीवन इज केयर टू बजट फाइल, तो आपने बता दिए एक्स्ट्रा परिसेंटेज का भी कंपेयर फॉर एग्जांपल ओपनिंग, उसके अलावा वर्ड ओपनिंग इज नॉट समथिंग बहुत यू नो दिस। मैंने एक एग्जांपल दी, what is it that you are looking for? You are looking for is this person, you know, yeah, a comprehensive learning approach has outside the box thinking is something very very important. Are you capable of doing outside box? कौन कौन लोग होते हैं तो अपने profession में पूछो ना कहेगा मैं यहाँ पर अपनी ऊपर ले रहा हूँ या इस तरह नहीं, आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखते हैं बिकॉज आपने ग्रूमिंग करनी, आपने कल को सीईओ बनना है सीएफओ बनना है तो अब किसी जगह का एमडी बनना है तो आपको फिर अपनी ग्रूमिंग करना। अदनान रिज़वी की एग्जाम्पल आप लें तो इफ यू टॉक टू अदनान रिज़वी हिज कम्युनिकेशन स्किल्स हिज अदनान रिज़वी ने मुझे सबसे पहले बिल्डिंग रिलेशनशिप के साथ, तो उसमें जब आप जा रही हैं कहीं भी जा रही हैं ट्रेनिंग पे तो मेक श्योर यू डिवेलप रिलेशनशिप एंड कीप इन टच। तो जैसे आपने गए कार्ड ये ले आपने दिया अगले दस इशारा इसके बजाय आप दो लोगों से मिले उनसे अच्छी कब चक लड़ाई उनसे कॉन्टैक्ट किया उनके साथ कॉन्वर्सेशन दैट इज मीटिंग। तो वो नहीं नहीं सबका इंटरेस्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट देखा क्या मतलब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है और उसमें मैरिट पे इतने लोग आ रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। हम सारे अपने पिकी का फ्रॉम द टॉप इट हैज टू टेल मी है व्हाट कैन दे बाय सीवी और अ कैंडिडेट सीवी स्टैंड आउट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। सीवी इन द सेंस प्रोफाइल में आपके आपका अगेन आपका आपका एक जो है ना ड्रेसिंग फॉर द इंटरव्यू इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट इज फॉर एन इंस्टेंट व्हेन यू डू कर इट तो वो बहुत मैटर करता है। ये चीज तो दूसरी की टेक्निकल नॉलेज आती है, आपसे अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन चार अच्छी तरह जवाब नहीं देते अब ये नहीं आपने करना अगर चार क्वेश्चन पूछे और पहले का या दूसरे का मुझे जवाब नहीं आया तो आप परेशान होंगे तब तो मेरे बारे में प्रश्न खराब ले लेते। आपका ये जो एटीट्यूड है ये आपको बहुत सपोर्ट है। हाँ आई थिंक आई डोंट नो बट या क्वेश्चन का जवाब दे दें ठीक है ना, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकली अपने आपको प्रिपेयर करके जाए जनरल अवेयरनेस के अपने आपको लेकर हम आपको पूछे थे वर्ल्ड टैकिंग ऑन एग्जाम चीज़ें क्या हो रही है दुनिया में क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है तो अक्सर लोग कहते हैं हमें पता नहीं है ये नहीं होना चाहिए ना अवेयरनेस विजिलेंस ग्रोथ माइंडसेट अपना स्ट्रेस दूसरों को डिफरेंट करना ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल सिखाने पड़ेगी। मैडम एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर या फिर हम ऑनलाइन से सर्च कर अब हम कंक्लूड कैसे करेंगे बस ऑनलाइन के क्वेश्चन से हैं हम लोग थोड़े से रह गए। अच्छा ऑनलाइन में एक सवाल दो लोगों का कॉमन है कि डिपार्टमेंट सिलेक्शन एक को लगता है कि हमारे हाथ में होती नहीं है वी हैव नो चॉइस जहां के कम जी ने भेज दिया हमने चले जाना और दूसरा बच्चा पूछता है कि व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय सिलेक्टिंग द डिपार्टमेंट। नहीं सिलेक्टिंग द डिपार्टमेंट तो आपको खुद अपना पता है कि आपका इंटरेस्ट एडवाइजरी में है आपका इंटरेस्ट स्टैक्स में है तो आप उस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ये बात है कि आप हम इंटरव्यू के टाइम पे हमारा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनल ऑडिट आर यू इंटरेस्टेड इन टैक्स आर यू इंटरेस्टेड अगर कोई एडवाइजरी में इंटरेस्टेड होता है तो हम सीवी एडवाइजरी से शेयर करते हैं। सर एक और मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड इन अश्योरेंस सो अश्योरेंस करते हैं सो इट्स नॉट फिक्स्ड। स्टूडेंट्स बार पूछा कि हाइट मैटर करती है जिंदगी में लोग जो इतने इतने बड़े पहुंचे कहां कहां पहुंचे क्या उनकी हाइट मैटर करती थी बिल्कुल मैटर नहीं करती। Yes,
अच्छा एक स्टूडेंट ने पूछा है कि यार आप लोग प्लीज थोड़ा सा नहीं आप चिल करो बस लोग कंक्लूड हो रहा है बस। अच्छा अब एक स्टूडेंट ने पूछा है कि बीकॉम कितना इंपॉर्टेंट है इंडक्शन के लिए, एक बच्चे ने बीकॉम किया हुआ एक बच्चे ने नहीं किया हुआ, तो दोनों में क्या फर्क है? नहीं कोई खास डिफरेंस नहीं, कोई खास फर्क नहीं है, ऐड हो जाता है लेकिन इतना कोई खास डिफरेंस। ओके और बीकॉम अगेन वही है कि आपने अपने आप को इधर उधर रखा है आपकी वो है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मैटर करता। इंटरव्यू में क्या सच्ची बोलना चाहिए रिलेटेड टू फ्यूचर गोल, और अगर इंटरव्यूअर फ्यूचर गोल से रिलेटेड क्वेश्चन करे थोड़ा सा झूठ बोला जाता है? आई हर्ड फ्रॉम अदर्स के इंटरव्यू में सच नहीं बोलना चाहिए। अभी मैंने आपसे बात की इंटेग्रिटी की, इंटरव्यू में पोर्टल पे अप्लाई करने में अक्सर लोग क्या करते हैं, पास नहीं होते, पेपर गलत या कोई भी रिपोर्ट, दैट इज लाइक फर्स्ट थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप अगर आप केपीएमजी ज्वाइन करें और आप झूठ से स्टार्ट करें जॉइन, आपका झूठ आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग वी एवर, अगर हमें पता चल जाए द पर्सन ऑन द अदर साइड इज लाइंग वी आर नॉट हैप्पी अबाउट, इंटेग्रिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल है कि मिस आई हैड गॉटन अ कॉल फॉर इंटरव्यू बट सिंस आई एम अब्रॉड आई ईमेल्ड देम फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू ऑन द ईमेल प्रोवाइडेड बट आई हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई येट, सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, डस केपीएमजी टेक ऑनलाइन इंटरव्यूज? नो वी डोंट, अभी तक तो नहीं है, अगर हम देखेंगे ये चीज डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा ऑनलाइन इंटरव्यू हमने नहीं किया। अच्छा आई वुड लाइक टू कॉल साम्या हियर, साम्या मेरे साथ हैं, मैं चाह रही हूं कि हम एज अ टीम हम आए तो आपको इंट्रोडक्शन भी करा दूं, साम्या इज असिस्टिंग मी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। She can tell you whether KPMG is a family or not. That's it. Kuch thoda sa feeling about KPMG, Sana, would you like to share? Yeah, sure. Hi, everyone. Laptop ki thoda sa near. Aap aa jaye. Online wale ko bhai. Hello, everyone. So this is Samia Siddiqui. And I remember it's been like a year since I joined KPMG. And I genuinely feel the growth in me. Like I came with an experience already. But the growth and exposure that I got from KPMG is something else, literally. And it helped me in a lot of things. Being solution-oriented, having people who I can look up to whenever I want any help. I genuinely do not belong to the background of CA or ACCA. I did journalism, which is a total different thing. And it's been a year She's since in HR. Yeah, and I'm in HR. And you know, like the thing that I'm learning from my seniors, like her, ma'am, was one, like, you know, it takes courage to come here and talk. And it's very easy to sit there and talk. So always know the difference. And honestly, you guys are aspirants of CA and ACC, so you guys must be very serious with your, you know, with the time that you're having right now. This moment is very important for you. You might walk out of this room with so much in you, clarity, and a lot of other things, a different passion and aspiration. So that would be something for you in the future. And you will realize that you will not reach that position until you will reach. Because you know, small steps are actually the concept, like the. Bigger picture का consequence होता है आपके small steps. So always know that thing. Please take this moment very seriously. And coming in KPMG genuinely was one of the best decisions that I made. I want my growth. And as she said that in KPMG, they encourage you के आपकी जहाँ growth है, they allow you to go there, to step out of your comfort zone. आपको clients face करने होते हैं, आपको late sittings करनी होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके stretch goals यहाँ पे आते हैं. You know, like CA, ACC वालों को कुछ लोग बोलते हैं यार boring, मतलब literally computer centric only. That's not true. At KPMG, you learn के you can be something else as well. What's beneath the surface is something you learn from KPMG कि यार like I have so much in me. There is a universe in me. So these are certain things I wanted to share personally. I have a very close association with KPMG and it's because of her, I guess. So please learn from her as, because she's very literally experienced. You guys can learn so much from her. Ask her questions because she is in HR. So pehli screen hi aise hogi, phir aapke aage interviews honge. So it's very important to know this. Thank you so much, Samia. Thank you so much. And thank you, everyone. I think we are through now. Yes, but one last question. If we don't know the answer of any question in interview, what should we do at that time? Abhi to maine bataya ki kya karna hai. अगर एक आंसर नहीं आता तो दूसरे क्वेश्चन पर वेट करें, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एक आंसर आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी पूरी पर्सनालिटी है, वो डिफाइंस यू इज योर होल पर्सनालिटी, तो वो कभी भी मैटर नहीं करता अगर आपको एक दो सवालों के जवाब दिए हैं, परवाह नहीं करता।
जो दिए तीन जवाब कॉन्फिडेंस दिए, ठीक है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर